ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने नेदर के फोर्ट्रेस में जाकर एक बहुत बड़ा ब्लेज रोड फार्म बनाया था। वैसे बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं था, बट जितना भी था काफी ज्यादा अच्छा था देखने में, और बहुत था नहीं है, बहुत ज्यादा तगड़ा है। और गाइस, उस फार्म से मुझे ढेर सारा ब्लेज रोड तो मिलता ही है, बट साथ के साथ ढेर सारी एक्सपी भी मिल जाती है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मेरी एक्सपी 100 पार हो गई थी, 99। ओके। अभी ना फिलहाल गाइस, ये जो मेरी डायमंड शवल है ना, इसके ऊपर मैंने 3 एन्चेंटमेंट लगाई है, एफिशिएंसी 5, मेंडिंग एंड फॉर्च्यून 3, क्योंकि मुझे ढेर सारा सैंड इकट्ठा करना था। मैंने काफी सारा सैंड ले लिया है, क्योंकि आज हम लोग बहुत तगड़ी तबाही करने वाले हैं। टाइटल डिस्क्रिप्शन से आपको पता ही चल गया होगा। बट हां यार, जो भी हो, उससे पहले मैं आपको उस फार्म के बारे में बता देता हूं। मैं उस फार्म पे दोबारा गया था अपनी दूसरी वाली स्वॉर्ड लेकर, क्योंकि इस स्वॉर्ड में लगी हुई है लूटिंग 3, और लूटिंग 3 से जब मैं उन ब्लेज को मारूंगा, मतलब जब मैं ब्लेज को मारता हूं, तो जो लूट मिलने के चांस है, मींस ब्लेज रोड मिलने के चांस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिलहाल मैंने ज्यादा देर वहां पर उनको मारा नहीं, काफी सारी ब्लेज रोड में इकट्ठी करके ले आया, और ये फार्म मैंने इसलिए बनाया था ताकि अपनी जो फ्यूल की दिक्कत है ना, वो सारी खत्म हो जाए। अब एक ब्लेज रोड गाइस आपको पता ही है 10-15 कोल के बराबर होती है, तो मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। मुझे बस एक आध दिन जाना पड़ेगा, वहां पर बैठ के दबा के ब्लेज को कूटना पड़ेगा, उसके बाद ब्लेज रोड लाकर कलेज सारा खत्म करेंगे। फिलहाल गाइस, आज की वाली जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है। मतलब मुझे पता नहीं है कैसे होगी, बट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि बहुत ज्यादा तगड़ी होगी, क्योंकि आज हम लोग कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत खतरनाक चीज करने वाले हैं। गाइस, आज मैं 50 एंशियंट डेब्रीज की माइनिंग करने वाला हूं। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, बट मैंने सोच रखा है कि जब तक मुझे 50 एंशियंट डेब्रीज नहीं मिल जाएंगे ना, तब तक मैं ये वीडियो नहीं एंड करूंगा, चाहे मैं माइन करता रहूं, मर जाऊं, कुछ भी, मैं नहीं, ये माइनक्राफ्ट का प्लेयर मर जाए। तो हाँ गाइस, इसीलिए आप लोग मेरी इन्वेंटरी इस टाइम पर देख पा रहे हो। भाई काफी सारी सैंड है, काफी सारा गन पाउडर मैंने इकट्ठा कर लिया है। मैं ढेर सारे TNT बनाने वाला हूं, और मैंने 2-3 ना अलग अलग तरीके पता करे हैं कि कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा एंशियंट डेब्रीज ढूंढ सकते हैं। इसमें से गाइस 2 तरीके मैंने खुद ढूंढने हैं, और मुझे मालूम है वो अच्छे से नहीं काम करने वाले, बट फिर भी सबसे तगड़ा तरीका तो गाइस देखो, आपको पता ही है कि हमें एकदम ना मस्त तरीके से माइनिंग करते हुए जाना है, और उसके बाद वहां पर TNT का एकदम ट्रैप नहीं कह सकते, TNT बिछाते हुए आ जाने हैं, उसके बाद उन TNT को ब्लास्ट करना है, फिर एंशियंट डेब्रीज ढूंढने हैं। एक तरीका तो ये हो गया, बट दूसरा तरीका गाइस मैंने ढूंढा है TNT ड्यूपर की कैनन बनाकर। मतलब हम लोग आज 2-2 अलग टाइप की कैनन बनाकर उसे नेदर में चलाने वाले हैं, और फिर देखते हैं कितनी तबाही होगी। नेदर खोखला कर दूंगा भाई आज, मैं सही बता रहा हूं। और फिलहाल यहां पर मैं गन पाउडर लेने के लिए आया था। यार इस फार्म में ना पता है, देखो मैक्सिमम ना यहां पर स्केलेटन वगैरह ज्यादा गिरते हैं, मुझे ना इन सब जगह पर ना ट्रैप डोर लगाने ही पड़ेंगे ताकि मुझे गन पाउडर बहुत ज्यादा मिले। अगर मैं ये कर दिया ना, तो भाई गन पाउडर की जो दिक्कत है ना, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। करोड़ों TNT बना के ले जाके नेदर मैं फोड़ूंगा, सही बता रहा हूं। फिलहाल अभी देखता हूं कितना और गन पाउडर इसके अंदर। ओके, काफी सारा यहां पर आ चुका है। मैं एक काम करता हूं गाइस, इसको ना यहां पर रखता हूं, और इसके अंदर मैं सारी ना सैंड डाल देता हूं, और गन पाउडर भी डाल ही देता हूं साथ के साथ। यार गन पाउडर का ब्लॉक भी बन जाना चाहिए था, थोड़ा स्पेस बन जाता। ओके, फिलहाल अभी क्रीपर तो इसके अंदर ज्यादा आके मर नहीं रहे, आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई कितनी ज्यादा एरो हो चुकी है। एक लावा बना दूंगा बगल में, फालतू का सामान उसके अंदर डालते रहेंगे लगे हाथ। फिलहाल अभी इसके अंदर मैं भर देता हूँ गन पाउडर, बहुत हो चुका है। चल के ना गाइस, ढेर सारे TNT, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर AFK बैठ जाऊँ, थोड़ा बहुत और गन पाउडर यहाँ पर आ जाने देते हैं। उसके बाद यार, एक तो मैं अपने वर्ल्ड से ना थोड़ा बहुत परेशान नहीं हुआ हूँ, बट ये बारिश क्यों होती है यार इतनी ज़्यादा? कोई तांत्रिक बैठा हुआ है भाई, बारिश करवाते रहता बार बार ही। फिलहाल 2 क्रीपर है आगे, बट मैं इनसे पंगा नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरी बो है ना भाई, इसकी HP आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई, 3-4 तीर चला दिए, टूट जाएगी। वैसे इसके अंदर कोई ज्यादा खतरनाक वो लगी नहीं है एंचेंटमेंट, टूट जाए कोई दिक्कत नहीं। मेरे दिमाग में ना गाइस इस टाइम पर बस एक ही चीज चल रही है कि क्या मैं 50 एंशियंट डेब्रीज ढूंढ पाऊंगा भी या फिर नहीं। मैंने बोल तो दिया है कि वीडियो नहीं एंड होगी, पता चला मेरे को मिल ही नहीं रहे, और वीडियो बस बनते ही जा रही है। वैसे नहीं यार, वो जो दूसरी वाली ट्रिक है ना, जो मेन ट्रिक है TNT बस बिछाने मुझे एक ट्रैक पे, उससे तो मिल ही जाने हैं, बट जो बाकी ट्रिक है उसको भी ट्राई करना बनता है, और उसको ट्राई करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें बनानी है। कोई मॉप वॉप तो नहीं है ना, हाँ, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मुझे ना गाइस सबसे पहले बनाने काफी सारे ऑब्जर्वर्स, रिपीटर्स, डिटेक्टर रेल, माइन कार्ट पे, वहां पर ड्यूपर बनाऊंगा काफी सारे। स्लाइम मुझे चाहिए था, स्लाइम मेरे पास काफी सारा यहां पर पड़ा हुआ है। एक काम करता हूं गाइस, अभी ना रात का टाइम है, स्लाइम एक जगह पर स्पॉन होते हैं, मैं वहां चलता हूं। नहीं गया मैं, भाई 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 भाई, क्रीपर चाचा दूर हो जाओ थोड़े से। तो अभी ना गाइस फटाफट मैं यहां से निकलता हूं, उस जगह पर ना ढेर सारे स्लाइम अपना आते जाते रहते हैं। इलाइट्रा नहीं पहना मैंने, रुको, ये पहन लिया मैंने इलाइट्रा। फटाफट से उस जगह पर चलते हैं, एंड स्लाइम को मार के उनसे लेकर आते हैं स्लाइम, क्योंकि ड्यूप करने के लिए ना चीजें हमें वो स्लाइम वाले ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। तो यही है वो जगह जहां पर स्लाइम आते जाते रहते हैं। मुझे ढेर सारे ऑब्सीडियंस भी चाहिए, तो अच्छी बात है। यहां पर यार
भैंस के पीछे कूटेंगे ये लोग मेरे को। निकल तेरी ऐसी की तैसी। एक भी स्लाइम नहीं नजर आ रहा है कि दूसरी स्वॉर्ड अपने हाथ में लेता हूँ। अब आओ बेटा, अभी मेरे हाथ में स्वॉर्ड थी स्माइट, नहीं नहीं स्माइट फाइव मेरे को अपने हाथ में चाहिए ना। हाँ तो अभी स्माइट फाइव हाथ में आ चुका है, शार्पनेस इस हाथ में है। ठीक है भाई, ये काफी सही है। दो दो स्वॉर्ड लेके मैं घूम रहा हूँ पूरे में। वैसे गाइस मुझे ना अच्छे से याद है कि इस जगह पर ना काफी सारे स्लाइम स्पॉन होते थे, बट आज मुझे एक भी नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं ऐसा क्या सीन है। फिलहाल सामने क्रीपर है यार, ये भी मुझे लग रहा था स्लाइम है भाई। ये कहाँ चले गए सारे के सारे? ऐसा ओ स्केलेटन हॉर्स भाई, पता नहीं इतने सारे स्केलेटन हॉर्स आजकल मेरे कासल के आसपास क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि बारिश के टाइम सही में स्पॉन नहीं होते, और यहाँ पर मैं खाली पीली हांडे जा रहा हूँ इतनी देर से। यार वापस चलते हैं, मेरे को लग नहीं रहा क्योंकि स्पॉन होने होते हैं अभी तक दिख। चल तेरी भैंस की, निकल यहाँ से। तू इधर आ बेटा, तू शार्पनेस खा, दिमाग खराब कर रखा, और तू आ, तू स्माइट खाएगा। दो दो स्वॉर्ड हाथ में, इनकी बैंड बजाया जा रहा हूँ मैं गंदी वाली। ये भी निकल। वैसे टाइम तो दिन का ही है, सोते हैं, बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर आएंगे। यार मुझे अभी कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी अगर यहाँ स्लाइम नहीं आ रहे तो। सही में फिलहाल मेरा पोलर बियर भी मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्योंकि डीस्पॉन हो गया वो, वरना अभी तक वो नज़र आ जाता, पता नहीं। चलो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं, फिलहाल हम लोग जल्दी से चल के सोते हैं। जब तक मुझे स्लाइम नहीं मिल जाएगी ना, तब तक मैं आगे की चीज़ नहीं बनाने वाला। मुझे टोटल 6 स्लाइम चाहिए। वैसे उसका एग्जैक्ट नाम क्या होता है मैंने ये भी नहीं देखा। फिलहाल अभी मैं सोकर उठ चुका हूँ, नेक्स्ट डे भी हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास 4 है ना, स्लाइम ब्लॉक ही कहते हैं, मैं बिल्कुल सही था। और इसकी रेसिपी क्या होती है यार, मैंने इसकी रेसिपी भी नहीं देखी। अच्छा हमें ये चाहिए होते हैं 9, ठीक है। तो हमें इन 9 पीस को कुछ इस तरीके से रखना है एंड स्लाइम बन जाएगी। फिलहाल मेरे पास 12 यहाँ पर और पड़े हुए हैं, तो इससे भी बन जानी चाहिए ना यार। एक और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। मुझे टोटल 6 नहीं, मुझे टोटल 8 चाहिए, मैं गलत था, क्योंकि 4 से एक ड्यूपर बनने वाला है, तो मुझे 2 ड्यूपर बनाने हैं। मतलब जितने ज्यादा ड्यूपर मैं बना पाऊंगा उतना बढ़िया है, उतने ज्यादा हमें एंशिएंट डेब्रिस मिल पाएंगे। और ड्यूपर मैं बनाऊंगा TNT का, तो धड़ाई धड़ उसमें से TNT स्पॉन होते रहेंगे, और नेदर का जो सामान है सारा टूटता रहेगा। और एंशिएंट डेब्रिस ऐसी चीज है वो कभी टूटती ही नहीं, आपको पता ही है, तो वो अलग ही नजर आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पर और स्लाइम मेरे पास सच्ची में नहीं है, उधर जाकर देख लेता हूँ, चांसेस हैं कुछ की इधर पड़ा हो, वरना वापस से हम लोग कोई नई जगह ढूंढने चलेंगे। निकल तेरी भैंस की, दिमाग खराब। अरे मरी कैसे नहीं है, मैं दो दो शॉट क्यों लेके घूम रहा हूँ हाथ में। ओके गाइस अभी फिलहाल मैंने ऑलमोस्ट सारी चेस्ट चेक कर लिया है, बट मुझे यहाँ पर स्लाइम नहीं नजर आ रही भाई। मुझे पता नहीं था इन 2 कोड़ी की चीजों का भी कभी ना कभी मेरे को यूज पड़ जाएगा, बट यार सच्ची में माइनक्राफ्ट में हर एक छोटी से छोटी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस एक वो पॉइजन वाले पोटैटो छोड़कर भाई, वो किसी काम के नहीं है ना। उनसे हेल्थ बढ़ती है ना कम होती है, नहीं शायद कम होती है थोड़ी सी। फिलहाल अभी मैं उस जगह पर वापस आ चुका हूँ। स्लाइम यार एक तो दिख जाए यार प्लीज। वैसे जहां पर भी ये होती है ना, उस जगह का पानी कुछ इस कलर का होता है, तो यहाँ पर है बट स्लाइम नहीं है। इतनी देर से इस एरिया के अगल बगल घूम रहा हूँ, बट मुझे अभी तक एक भी स्लाइम यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। फिलहाल नीचे इतने सारे मशरूम, ओ भाई मशरूम छोड़ो, इतने सारे मॉब्स नीचे क्या कर रहे हैं? एक क्रीपर था, इसके मैंने बजाया है। स्केलेटन आ रहा है, स्केलेटन फूटो इसके ऊपर, फूटो इसकी, मारो स्केलेटन को, बहुत सही। 3 हो गए, ओ वाओ एक क्रीपर हो रहा। तू पहले आ जा, तेरे को यहाँ से तेरी। ओ भाई 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 ब्लास्ट हो गया। ये कुछ अलग ही जगह भाई, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मॉब्स है। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, वैसे मैं अंदर करने क्या जा रहा हूँ भाई, एक मिनट, मेरे को अंदर काम क्या है भाई? मैं बाहर स्लाइम ढूंढने आया हूँ, मैं माइन के अंदर क्यों जाना चाह रहा हूँ? फिलहाल गाइस इस जगह पर नहीं है, मुझे पक्का विश्वास हो गया है। फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, बट जाने से पहले यहाँ से गाइस मैं थोड़ी बहुत ना ऑब्सीडियंस ले लेता हूँ। थोड़े बहुत नहीं, मुझे काफ़ी सारे ऑब्सीडियंस यहाँ से चाहिए, तो इस एरिया को पहले मैं पूरा ऑब्सीडियन बनाता हूँ। ये उठाया मैंने वाटर, एंड इधर भी डालते हैं। वैसे मैं अपना एक बहुत अच्छा खासा लावा पुल खराब कर रहा हूँ, बट कोई नहीं यार, लावा पुल तो ऐसी चीज है हम लोग बाद में भी बना सकते हैं। फटाफट से गाइस अभी जितने भी ऑब्सीडियन यहाँ पर बने हैं इनको तोड़ता हूँ। ओ तुम्हारी भैंस की, भाई ये लावा पुल बहुत ज्यादा ही बड़ा वाला है, ये भी मेरा जाने वाला है सीधा लावा में। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, इसके नीचे भी लावा पुल है, और ओ तेरी भैंस की, जो मैं तोड़ रहा हूँ ना सारा लावा में जा रहा है भाई। और भुजोए यार, यहाँ पर तो सामान भी कलेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो ब्लॉक मैं तोड़ रहा हूँ ना वो भी सीधा लावा में जाके गिर रहे हैं। इससे पहले मैं काम करता हूँ ना, मेरे सारे ब्लॉक खराब हो जाए, मैं सारे लावा को ढंग से खत्म करता हूँ। ओके गाइस अभी फिलहाल मैंने पूरे लावा पूल को खोद डाला है, एंड यहाँ पर जितना भी अगल बगल फालतू लावा था ना, वो सभी को भी मैंने बना दिया एक मस्त वाला ऑब्सीडियन। नीचे भी भाई ये बहुत ज्यादा बड़ा लावा पूल है। तो गाइस ये देखो, मुझे ये लावा पूल ना एकदम छोटा सा लगता था, बट सीन क्या हो रहा है, मैं जो भी ऑब्सीडियन तोड़ रहा हूँ वो टूट के वापस से इस लावा में ही जाके गिर जा रहा है। और इसीलिए गाइस मैंने इधर अगल बगल के जितने भी ब्लॉक्स थे ना उन सभी को तोड़ डाला है, और अभी ये जो पूरा लावा है ना ये ऑब्सीडियंस में कन्वर्ट होने वाला है। एक मिनट रुक जाओ, इधर से भी बहकर आ रहा है ना काफी सारा, इधर भी डालते हैं, ऑब्सीडियन ही ऑब्सीडियन हो जाएगा। बट अभी सीन नहीं होना चाहिए, मैं जो तोड़ रहा हूँ वो मेरे पास कलेक्ट होना चाहिए प्लीज। ओ भाई
हाँ पर अभी भी लावा बचा हुआ है, एक सेकंड भाई रुक जाओ, इसको पहले मैं कलेक्ट कर लूं, मेरे पास एक तो जगह भी नहीं है ना, ये फैको स्पाइडर आई। तो गाइस अभी ना मैं वो साइड छोड़ के दूसरी साइड पे आ चुका हूँ, क्योंकि लावा भाई यहाँ पर ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिलहाल ये जगह काफी सही है, यहाँ पर बिल्कुल भी लावा नहीं है भाई। एक सेकंड यार दिमाग खराब हो रहा है, देखो मैं जो भी तोड़ रहा हूँ ना वो उड़ के सीधा लावा में चले जा रहा है, बट हाँ कभी कभार कलेक्ट हो जा रहा है अगर मैं उसके काफी ज्यादा क्लोज हूँ तो। फिलहाल यहाँ पर भी लावा नहीं खत्म हुआ था, इसको तोड़ के कलेक्ट कर रहा है। रात होने वाली है भाई, कितने ऑब्सीडियन मिले हैं? 27, वैसे बहुत है। हम लोग एक काम करते हैं 40 कलेक्ट कर यहाँ से निकलते हैं, बट कलेक्ट तो तब होंगे ना जब ये मेरे हाथ में आएंगे, उड़ के सीधा नीचे जा रहे हैं। फिलहाल अपने हाथ में मैं टॉर्च ले लेता हूँ, और ये देखो ये है भाई अपना वर्ल्ड। बारिश तो ऐसे होती रहती है, ट्राइडेंट लेके घूमूंगा आपसे अपने हाथ में हमेशा। ओके गाइस अभी फिलहाल काफी सारे ऑब्सीडियंस मेरे पास हो चुके हैं, सही बता रहा हूँ, कम से कम 20 ऑब्सीडियन ना उड़के तो इस लावा में ही जाके गिर चुके हैं। 5 तोड़ता हूँ तो 2 कलेक्ट होते हैं, बस बहुत है, मुझे नहीं तोड़ना भाई। ओए एक सेकंड आवाज आई, ये देखो गाइस अभी यहाँ पर ये स्पॉन हुआ, लेट्स गो। ओह ये अटका भी हुआ है, वह मर तेरी भैंस की, मैं 100% कन्फर्म था कि ये यहीं पर स्पॉन होते हैं। चलो ठीक है, अभी थोड़ी मेहनत करी, यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुका था, अब मुझे काफी सारे यहाँ से ये स्लाइम मिल जाएंगे। अबे पीछे हो बे, एकदम चिपक कैसे रहो तुम, अक तेरी भैंस की भी, इनको फटाफट से मारूंगा। ढेर सारी ये जो कलेक्ट हो भी रही है, पता चला मैं मारने में लगा हूँ कुछ कलेक्ट नहीं हो रहा। हाँ हो रही है, लेट्स गो इसे उठाते हैं फटाफट से, इधर आवे पकतीरी भैंस की निकल यहाँ से। ओके काफी सारी अभी हमें मिल चुकी है, बट अभी ना ये और स्पॉन नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पॉन हुआ था क्या? एक काम करता हूँ ना गाइस, मैं यहाँ से थोड़ा सा घूम कर आता हूँ, तब शायद ये स्पॉन हो जाएंगे, बट नहीं, ये तो सामने ऑलरेडी काफी सारे स्पॉन हो रखे हैं। लेट्स गो जल्दी से, मैं इसको ढेर करता हूँ और इसको मार के बे हटो बे, ये स्पाइडर और दिमाग खराब कर रही है। 1, 2, 3, 4, 5 अटवे दो, बीच में कहाँ घुस रहे हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है ना यार। एक छोटे छोटे से होते हैं ज़्यादा एचपी, एक तो मैंने इलाइट्रा पहना हुआ है ना, वाओ इलाइट्रा पहन के मैं लड़ रहा हूँ, अब तो मेरी एचपी जान ही नहीं वाली भाई। नेदरराइट पहन ली वो भी प्रोटेक्शन के साथ, लेट्स गो। ओके तो अभी कितना हो चुका है मेरे पास यहाँ पर, 23, बहुत है मेरे हिसाब से, इतने में बन जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा और ढूंढते हैं, मैं उस जगह से दूर आया हूँ ना तो हो सकता है वहाँ पर और, ओ आवाज़ आई कहीं से, तो आवाज़ आई है मेरे को तो बारिश का शोर। ओ ये रहा, लेट्स गो मेरे को मिल गया क्रीपर, नहीं क्रीपर भैंस की, क्रीपर ब्लास्ट हो गया वहाँ पीछे, इसको मारा मैंने, इसको भी लपेटो भाई। यहाँ तो काफ़ी सारे स्पॉन हो गए, पहले तो एक भी नहीं हो रहा था। ओके गाइस लेट्स गो, काफ़ी सारा हमने कलेक्ट कर लिया, फटाफट से भी हम लोग निकल लेते हैं सीधा अपने कासल के लिए, वरना ये जो स्केलेडन्स वगैरह है ना ये मेरा मुंह तोड़ डालेंगे। ओके गाइस अभी फिलहाल मैं उड़ता उड़ता वापस से अपनी कासल में आ चुका हूँ। वैसे यार अपना जो कासल है ना काफ़ी ज़्यादा सही जगह पर है, थोड़ा सा आगे जाते ही माइन शाफ्ट है, पीछे जाते ही ये स्लाइम वाला स्पॉन हो रहा है, थोड़ा सा पीछे एक विलेज है, और थोड़ा सा राइट में जाते ही एक अलग मस्त बाया हुआ, मतलब सब कुछ है वो भी काफ़ी ज़्यादा पास में, बट हाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए मेरा एंड में जाने का मन नहीं करता, वरना मैं ये ऑब्सीडियन ना एंड से ही जाके कलेक्ट करके लाता। फिलहाल मुझे यहाँ पर 50 स्लाइम बॉल मिल चुका है, तो फटाफट से गाइस अभी जितने पॉसिबल है उतने ये स्लाइम ब्लॉक में बना लेता हूँ। ओके तो अभी फिलहाल यहाँ पर 8 हमारे पास टोटल हो चुके हैं, अभी और यहाँ पर बन जाएंगे, तो लेट्स गो। काफ़ी सारे मैंने बना लिए, मेरे जो बाकी स्लाइम बॉल है इसको संभाल के हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। इतना सामान कलेक्ट करने के बाद गाइस मुझे बनाने हैं कुछ रिपीटर्स, डिटेक्टर रेल, माइन कार्ट, रेड स्टोन, लीवर, ये छोटी मोटी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फटाफट से गाइस इसको क्राफ्ट करते हैं। लीवर बनाने के लिए मुझे चाहिए कॉबल स्टोन एंड स्टिक, तो फटाफट से यहाँ पर मैं पहले एक लीवर बना लेता हूँ जल्दी से, एंड ये बन गया अपना लीवर। एंड यार इसको सारा सामान ना मैं अपने यहाँ एंटर चेस्ट ले चलूँगा, एंटर चेस्ट कहाँ गई ये रही, नहीं एंटर चेस्ट की क्या जरूरत है, मैं काम करता हूँ ये वाला जो शलकर बॉक्स है ना इसके अंदर जितना भी सैंड है इसको मैं TNT में कन्वर्ट कर लेता हूँ, स्पेस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और उससे पहले ये सारी ब्लेज रोड मैं काम करता हूँ इन फर्नेस के अंदर रखवा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा अब अपने फर्नेस में भाई, दोबारा मेरे को लगता नहीं है कि काफ़ी टाइम तक हमें फ्यूल डालने की जरूरत पड़ने वाली है, जो बाकी वुडे अंदर रखवाते हैं। ओके गाइस जहाँ तक मुझे याद है TNT की रेसिपी मेरे हिसाब से यही होती है, तो मुझे इन TNT को कुछ इस तरीके से रखकर एक्स बनाना है, एंड उसके बाद यहाँ पर हर एक ब्लॉक में इस सैंड को डाल देना है, और लेट्स गो मैं बिल्कुल सही था, टोटल 60 TNT यहाँ पर बन गए हैं। एंड इसके बाद मुझे थोड़ा सा और गन पाउडर बहुत सारा है इसमें से निकाल लेते हैं ना। ओके तो लेट्स गो, यहाँ पर मैंने 62 एंड 64 TNT बना लिए हैं, और अभी ना गाइस सिर्फ इतने TNT के साथ में माइनिंग करने नहीं जाने वाला, एक काम करता हूँ अपना जो फार्म है ना उसके पास जाकर मैं थोड़ी देर के लिए AFK बैठ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तेज क्रीपर स्पॉन होते हैं, तो सीधी सी बात है ढेर सारा हमें सामान मिल जाएगा। फिलहाल अभी बारिश हो रही है, चलो कोई नहीं, वैसे अच्छी बात है, बारिश के टाइम पर तो और ज़्यादा क्रीपर स्पॉन होंगे ना, तो फटाफट से गाइस हम लोग ना यहीं पर चल के बैठते हैं, इसी के ऊपर बैठ जाऊँ क्या, बस यहाँ पर मुझे फैंटम का खतरा है थोड़ा सा। एक काम करता हूँ अपने लिए ना कवर बना लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, बट कवर बनाने के लिए अपने पास कोई भी बढ़िया सामान नहीं है, ये सैंड है जिससे कि मैं अपना टॉप ही कवर नहीं कर पाऊंगा, तो फायदा ही क्या, फैंटम तो सीधा मुंह पे आ गई थप्पड़ मारेंगे। फिलहाल सामने की तरफ में आप लोग अपना कासल, अरे अभी तो दिख रहा था। ओके ये देखो भाई कितना ज़्यादा बढ़िया सा लग रहा है यार साइड से देखने में। ओके फिलहाल अभी मैं यहीं पर वेट करता हूँ, नीचे चल लेते हैं, थोड़ा सा कूदा क्यों मैं,
कूदा क्यों भाई, हेलो वाटर ट्रिक कभी मेरे हाथ में बकेट भी नहीं थी। वैसे गाइस अपना एक गन पाउडर फार्म ना नीचे की तरफ में भी है, बट इसके अंदर यार क्रीपर ना बहुत ही कम स्पॉन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बैठना पड़ता है। होते तो बहुत हैं बट थोड़ा सा बैठना पड़ता है। इसके अंदर भी 22 गन पाउडर पड़ा हुआ है भाई भाई भाई, बहुत ज़्यादा मिल गया। चलो कोई नहीं, ऊपर चल के बैठते हैं। दोनों फार्म में क्रीपर स्पॉन होते रहेंगे और हमें गन पाउडर मिलता ही जाएगा। फटाफट से गाइस चलते हैं ऊपर, वो मैंने बना रखा है AFK स्पॉट, वहीं पर चलकर अभी बैठना पड़ेगा, तभी हमें ढेर सारा गन पाउडर मिलने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा नेदर में TNT लेकर। वैसे वो जो ड्यूपर वाली ट्रिक है ना, उसके लिए तो मुझे भाई ज़्यादा TNT चाहिए ही नहीं। मुझे TNT चाहिए वो जो माइन करने वाली ट्रिक है, उसमें ट्रैप बिछाने के लिए TNT चाहिए कम से कम 100। ओके गाइस अभी फिलहाल कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई। हाँ तो गाइस अभी फिलहाल मैं पिछले 1-2 घंटे से यहाँ पर AFK बैठा हुआ हूँ। चलकर देखते हैं कि आखिरकार कितना गन पाउडर इकट्ठा हो गया है अपने फार्म में। फिलहाल अभी जल्दी से ना गाइस मैं एक सेकंड में ये ब्लॉक को तोड़ रहा हूँ। मैं इलाइट्रा किस लिए है मेरे पास, फिलहाल गाइस लास्ट नाइट में मैंने अपने फार्म में कुछ चेंजेस भी करे थे। मैं चेक करने गया था कि कितना गन पाउडर इसमें से इकट्ठा हो रहा है। फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो कैसे इसमें से यार क्रीपर धड़ाई धड़ स्पॉन होए जा रहे हैं। फिलहाल मेरे को एक यही जगह मिली थी लैंड होने के लिए, और भाई इस फार्म के ना अगल बगल खड़े रहना भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है सिर्फ इस स्केलेडंस की वजह से, क्योंकि यार वो भर भर के मेरे मारते ही रहते हैं। फिलहाल अभी क्रीपर धड़ाई धड़ उसके अंदर जाके जल रहे हैं। जल्दी से ना गाइस एक बारी मैं नीचे चलकर देखता हूँ कितना गन पाउडर इकट्ठा हो गया है। और लास्ट नाइट ना गाइस मैंने इसमें ये चेंजेस करे थे, मींस ये जो अपनी माइन कार्ड भी होपर है ना, बहुत ज़्यादा स्लोली स्लोली अपना सारा सामान इस वाले होपर में डाल रही थी, फिर ये वाला होपर इस चेस्ट में और स्लो डाल रहा था। तभी मैंने क्या करा कि यहाँ पर एक और होपर अटैच कर दिया। अगर मैं चाहूँ ना तो बीच वाली साइड पर एक और होपर अटैच कर सकता हूँ, फिर क्या आपका चेस्ट तेजी तेजी से भरेगी। बट कोई नहीं, फिलहाल चेक करते हैं। ओह भाई पूरी चेस्ट फुल हो गई, मुझे पता था एक चेस्ट क्योंकि अपनी ऑलरेडी फुल थी। यहाँ पर इन एरोस से भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पूरी चेस्ट भर जाती है और कुछ भी काम का सामान नहीं मिलता। फिलहाल अभी मेरा शल्कर बॉक्स, मैंने अपना शल्कर बॉक्स शायद से कासल के अंदर ही छोड़ दिया है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम होपर्स क्राफ्ट करने गया था तो शायद से तब भी मेरे पास शल्कर बॉक्स नहीं था यार, जहाँ तक मुझे याद है, पता नहीं यार। चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, और इतनी ज़्यादा बढ़िया जगह है तब भी मेरे को यहीं से बाहर निकलना है भाई, लाजवाब। लेट्स गो फटाफट गाइस। ये इलाइट्रा क्यों लेके घूम रहा हूँ भाई, जब मेरे को जाना पैदल ही है, पता नहीं क्यों मैं भूल जाता हूँ। ओके अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ सीधा अपने कासल में। फटाफट गाइस हम लोग यहाँ पर लैंड करते हैं, एंड ये फायदा होता है वैसे इलाइट्रा का भाई, ऊपर कहीं से भी कूद जाओ बट हेल्थ नहीं जाती अगर डबल स्पेस मार दे तो। देखो ये पड़ा मेरा शल्कर बॉक्स, अभी फटाफट से गाइस इसको तोड़ के ना वहीं पर लेकर चलते हैं। क्राफ्टिंग टेबल मेरे पास है ही, सारा का सारा TNT वहीं पर बना लेंगे, उसके बाद जो थोड़ी बहुत काम की चीज़ें हैं ना उसको भी मैं फटाफट से क्राफ्ट कर लूँगा। देन हम लोग जाने वाले हैं सीधा नेदर में तबाही करने के लिए। वैसे तबाही हाँ नहीं नहीं भाई, आज बहुत खतरनाक डिस्ट्रक्शन होने वाला है नेदर में, पूरा नेदर खोखला कर आऊंगा भाई। एक जो कैनन मेरे को बनानी है ना, बस वो मेरे को टेस्ट करनी है कि आखिरकार वो काम कैसे कर रही है। मुझे मालूम है उस तरीके से मुझे ज़्यादा एंशियंट डेब्रीज नहीं मिलने वाला, बट फिर भी हम लोग टेस्ट करेंगे। फिलहाल अभी जल्दी से अपना शल्कर बॉक्स एंड क्राफ्टिंग टेबल हम लोग यहाँ पर रखते हैं, और फटाफट से जितना भी TNT बन पाता है सारा बना देते हैं। ओके गाइस तो अभी ठीक है, फटाफट से हम लोग यहाँ पर साइड साइड में ये लगा देते हैं सैंड को, और ये बन गए अपने 64 और TNTs और 64, और इसी के साथ सैंड हो गया है सारा खत्म। अभी हमें जाना पड़ेगा सैंड इकट्ठा करने के लिए। फिलहाल मेरे पास शवल लगे हाथ हाथ में है ही, फटाफट से गाइस अभी चलते हैं सीधा सैंड इकट्ठा करने के लिए। ये मैं इलाइट्रा हटा देता हूँ, नहीं इलाइट्रा पहनना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं सीधा डेजर्ट जाऊँगा, बहुत सारी सैंड हमें इकट्ठी करके लानी है। और सैंड इकट्ठी करने के लिए मैं काम करता हूँ, अपने साथ ना शल्कर बॉक्स भी लेकर चलता हूँ, क्योंकि शल्कर बॉक्स में भर के लाएंगे भाई बहुत ज़्यादा, पूरा का पूरा शल्कर बॉक्स ही भर के लाऊंगा ताकि दोबारा जाने की जरूरत ही ना पड़े। और वैसे मेरे शल्कर बॉक्स ना शुगर केन फार्म में 2-2, 3-3 पड़े हुए हैं। चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर से मैंने शल्कर बॉक्स तो ले लिया है, फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। और मुझे ओ ये मैं कहाँ आ गया, हेलो भाई क्रीपर भी आ रहा सामने से, भागो 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 भाई, फटियो मत बच गया। अभी वो फटता तो अपना जो मेन फ्रंट डोर था ना भाई कासल का, वो तबाह हो जाता बेमतलब। लेट्स गो, इस शल्कर बॉक्स को ना मुझे खाली भी करना पड़ेगा, और खाली करने के लिए मेरे पास लावा बकेट है, ठीक है। अरे यार तुम अलग परेशान करते हो मेरे को, भागो यहाँ से तुम्हारी ऐसी तैसी, मैं जा रहा हूँ अंदर। बस यहाँ से ना क्रीपर ना आ जाए एक ही चीज़ का डर रहता है हमेशा, पानी डाल देता हूँ, अगर आ भी गया ना कुछ बिगाड़ अंदर आ ही नहीं पाएगा, वाटर फ्लो से बाहर फेंक देगा। लेट्स गो, तो इस जगह पर गाइस मैं बना लेता हूँ एक डस्टबिन, जिसके अंदर हम लोग सारा फालतू का सामान डालने वाले हैं, ये बना डस्टबिन। एंड यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक बढ़िया सा शल्कर बॉक्स, और जितनी भी गोल्डन स्वॉर्ड है ये सारी मेरे को इस लावा में फेंकनी है। तो अभी फिलहाल इस लावा को मैं टेम्परेरी बंद कर देता हूँ, और इसके अंदर गाइस मैं भी ढेर सारा सैंड ना भर के लाने वाला हूँ सबसे पहले, तो उसके बाद हम लोग आगे और भी TNTs बनाने वाले हैं। ये पड़ी वाटर बकेट, इस वाटर बकेट के अंदर मेरे को वाटर भरना है। हेलो
भाई मैंने वाटर भरा था। अच्छा ये दूसरी बकेट बन गई, ठीक है। मेरे को लगा खराब हो गया क्योंकि आजकल भाई वाटर ग्लिच बहुत ज्यादा ही होते हैं। ओके गाइस लेट्स गो। भी फिलहाल यहाँ से मैं आ चुका हूँ सीधा बाहर। फटाफट से गाइस इलाइट्रा पहना हुआ है ना, रॉकेट लो हाथ में। तो ओके गाइस अभी फटाफट से हम लोग निकल लेते हैं थोड़ी सी डेजर्ट साइड पर, ताकि हमें अंधा सैंड मिल जाए एक ही बार में, मुझे बार बार ही अलग अलग जगह पर ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। फिलहाल ये जगह भी बढ़िया है बट डेजर्ट बेस्ट है। तो ओके गाइस अभी फिलहाल मैं अपने इलाइट्रा से फ्लाई करता करता सीधा डेजर्ट में आ चुका हूँ, और यहाँ पर भाई एकदम अंधा सैंड है, एक ही बार में कलेक्ट करके ले जाएंगे, हमें दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर भाई काफ़ी सारे मॉब्स स्पॉन होए जा रहे हैं, तो मुझे इनसे थोड़ा बहुत साइड और बच के रहना पड़ेगा। इलाइट्रा भी पहन ले, इलाइट्रा मतलब हटा कर अपनी ये पहन लेता हूँ, और फटाफट से गाइस अभी सैंड हम लोग यहाँ से इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लेट्स गो। ज़ॉम्बीज दिमाग मत खराब करो मेरा, मुंह तोड़ना पड़ेगा भाई इनका। ओके गाइस अभी ना मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और आप लोग एक बार नीचे की तरफ में देखो मेरी जो एक्सपी है गाइस वो 100 हो चुकी है। लेट्स गो भाई अब आएगा ना मजा। मतलब मेरी पहली भी एक बारी हुई थी बट उसके बाद मैंने एनचेंटिंग कर दी सारी इस शवल पे, बट तभी वो कम हो गई। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल वो तो बढ़ते जाएगी, अभी 100 या 200 होगी। वैसे 200 से ऊपर जाती होगी, वैसे जाती तो बहुत ज्यादा ही होगी बट बहुत ज्यादा टाइम भी लगता होगा। फिलहाल सैंड तो काफी ज्यादा मुझे मिल गया, मैं सोच रहा हूँ पूरा स्टैक ही भर लूँ ताकि दोबारा आना ना पड़े। गाइस यहाँ पर ना आसपास केव तो है बट एकदम एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा कहाँ पर है। इधर से ना मेरे को स्पाइडर वगैरह की आवाज तो बहुत ज्यादा आ रही है, थोड़ा सा नीचे चलकर देखते हैं क्या पता अगल बगल। ओ तेरी भाई यहीं पर है केव, एक सेकंड। क्रीपर तो नहीं है ना, बस तू निकल यहाँ से पहले तो। ओ भाई क्रीपर है, तू भी निकल। ओ ओ एक सेकंड पहले मेरे को शवल तो अपनी हाथ में लेने दो भाई। भाई भाई ओ नहीं, ओ तेरी भाई इतने ज्यादा क्रीपर क्यों आ जाते हैं मेरी बारी में। अरे भाई पूरी रेस लगी पड़े भाई क्रीपर की, एक के बाद एक ब्लास्ट हो जा रहे हैं। मैंने गाइस अपनी शवल अपने हाथ में ले, थोड़ा सा अंधेरा हो गया होगा। यहाँ पर एक काम करता हूँ टॉर्च लगा देता हूँ, ठीक है। तो ओके गाइस अभी फिलहाल मैं स्केव से बाहर आ चुका हूँ, और मैंने अपना शल्कर बॉक्स भी कलेक्ट कर लिया है, तो इसको मैं एक बार ना यहाँ पर रखता हूँ। थोड़े बहुत अपनी शवल के अंदर जान और बची है, वैसे ज़्यादा जान बढ़ी ही नहीं भाई, पता नहीं क्यों मैं इतने सारे मॉब्स को मारा, इतनी सारी एक्सपी कलेक्ट करी बट थोड़ी सी भी हेल्थ नहीं बढ़ी भाई अपनी इस शवल की। ओके 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 भाई अभी मैं इसे और नहीं चलाने वाला, वरना ये बस टूटने ही वाली है। जितना सैंड मिला वापस से इसके अंदर डालो, इसको तोड़ो, और ये जो अपना इलाइट्रा इसको पहन कर फटाफट से गाइस अभी हम लोग निकल लेते हैं वापस से सीधा अपने कासल के लिए। रॉकेट्स कहाँ चलेगा भाई। चलो कोई नहीं यार, इसको ना एक्सपी फार्म पे ही ले जाकर रिपेयर करेंगे, वहीं पर एकदम बढ़िया रहेगा। और ये आसमान पर्पल, एक सेकेंड, आसमान पर्पल कैसे हो गया था भाई अभी, पता नहीं। तो ओके गाइस लेट्स गो। वापस से आ चुका हूँ मैं सीधा अपने कासल में, और आप लोग यहाँ पर कासल में नहीं सॉरी अपने एक्सपी फार्म पे, और यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे हो भाई धड़ाई धड़ भाई इसमें से मॉब्स स्पॉन होते रहते हैं भाई, कसम से बहुत ज़्यादा डेंजरस फार्म है। आवाज़ कितनी तेज आ रही है भाई इन लोग के मरने की, कसम से भाई। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी इसके अंदर तो अभी भी ढेर सारा गन पाउडर इकट्ठा हो गया होगा। मतलब इसके ना पास बैठना पड़ता है, बस इसकी दिक्कत की बात ही ऑटोमेटिकली चलता नहीं रहता अपने शुगर केन फार्म की तरह। शुगर केन फार्म तो ऐसा भाई उसे छोड़ दो, अब वो जिंदगी भर का हो गया है, बट ये सब फार्म में ना थोड़ा बहुत इनके पास बैठना पड़ता है तभी मॉब्स स्पॉन होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। फिलहाल ये अपना शल्कर बॉक्स है, और एक सेकेंड इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर भी सामान भरेंगे ना, यहाँ पर सैंड जो मैं लाया हूँ इसको इसके अंदर भरेंगे। वैसे गाइस अभी अभी मैंने नोटिस करा कि इन दोनों चेस्ट के साथ साथ ये जो नीचे हॉपर है ना, इसके अंदर भी अभी काफी सारा सामान रुका पड़ा है। ये देखो यहाँ पर भी दो दो स्टैक है गन पाउडर के, भाई बहुत सारे टीएनटी बनने वाले, जल्दी से मैं सारे बना लेता हूँ। लेट्स गो। ओके गाइस लेट्स गो, ऑलमोस्ट अपना सारा काम डन हो चुका है, फटाफट से हम लोग इस वाले शल्कर बॉक्स को यहाँ से उठाते हैं, और अभी जल्दी से निकल लेते हैं सीधा नेदर के लिए। बट जाने से पहले गाइस तीन चार चीजें हैं जो कि मेरे को क्राफ्ट करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत रेडस्टोन डस्ट चाहिए, रिपीटर चाहिए, ऑब्जर्वर चाहिए, और मेरे को एक रेडस्टोन ब्लॉक चाहिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि इजीली बन जाएगा। उसके लिए मेरे पास काफी सारा रेडस्टोन पड़ा हुआ है, और भाई अपना गार्डन ना कसम से रात में सिर्फ पिकनिक पे आते हैं सारे के सारे मेरे गार्डन में, भाई ऐसे मुंह उठा के पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर दो बेचारे पांडास पे उनको दया आ रही है, इनको मैंने इनके झुंड से अलग कर डाला है, कहाँ ये एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के रहते थे, और कहाँ इन दोनों को एकदम ही प्राइवेट रूम मिल गया वो भी कासल के अंदर। चलो कोई नहीं, फिलहाल इन सबका चलता रहेगा, जल्दी से हम लोग अपने शल्कर बॉक्स को रखते हैं यहाँ पर। मुझे लग रहा था मैं दोबारा से इसे भूल आया, और अभी फटाफट से गाइस मेरे पास सैंड पड़ा है यहाँ पे। और ओके गाइस वैसे जो जो चीज़ें मेरे को बनानी थी ना, उसमें से थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे को ऐसे मिल चुकी है। मैं रेड स्टोन डस्ट ढूंढ रहा था, और ये देखो मेरे को थोड़े बहुत डिस्पेंसर चाहिए, वैसे टोटल मेरे को 5 चाहिए, 2 मेरे को मिल गया है। ऑब्जर्वर मेरे को 2 ही चाहिए थे, मुझे पता नहीं है ऑब्जर्वर का यूज पड़ने वाला है या फिर नहीं, और वैसे इसके अंदर 17 TNT और पड़े हुए थे। लेट्स गो, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं, बाकी तो और कुछ भी इसके अंदर काम का सामान नहीं है, और ये भी खाली पड़े हैं। रेडस्टोन यार मेरे पास इतना सारा, ओके ये रहा 60 रेडस्टोन डस्ट मिल गया। अभी मेरे को बनाने हैं कुछ रिपीटर्स, और एक TNT इसके अंदर भी पड़ा हुआ था भाई, सारे TNT खत्म कर डालूंगा आज मैं। चलो गाइस अभी फटाफट से हम लोग वो तीन चार चीजें क्राफ्ट कर लेते हैं जो कि अपने ड्यूपर बनाने में काम आने वाली है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए डिटेक्टर रेल, माइन कार्ट, एंड 2 स्टिकी पिस्टन चाहिए, क्योंकि हम लोग 2 ड्यूपर बनाने वाले हैं। एंड स्टिकी पिस्टन के लिए हमें ये चाहिए होता है ना, चलो ठीक सही है
थैया नहीं सही है कि हमने इसको एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिया था। और पिस्टन पहले हमें पिस्टन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये बनेगा। तो पिस्टन बनाने के लिए मेरे पास काफी सारे प्लैंक्स हैं, आयरन है मेरे पास माइन कार्ट बनाने के लिए। डिटेक्टर रेल कैसे बनती थी यार, मैं भूल गया, शायद स्टिक होता है और उसके बीच में रेड स्टोन का भी यूज होता है। मैं एक बार डिटेक्टर रेल की रेसिपी देखता हूँ। ये रहा, तो ये रही डिटेक्टर रेल का। अच्छा, तीन तीन आयरन लगेगा साइड में, बीच में एक ही स्टोन की प्रेशर प्लेट लगेगी। ओके, तो स्टोन ले आते हैं हम लोग यहाँ से। स्टोन की कमी नहीं है अपने पास, नॉर्मल स्टोन तो नहीं है बट मेरे पास कॉबल स्टोन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉबल स्टोन को हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, एंड इसके बाद जो है ये फटाफट से स्टोन में कन्वर्ट होगा। एंड प्रेशर प्लेट की रेसिपी एक बारी मैं देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं अच्छे से। अरे भाई टाइप हो जा। ओके गाइस, अभी फिलहाल यहाँ पर स्टोन बन चुका है और एक प्रेशर प्लेट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और दूसरी प्रेशर प्लेट भी हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। अब दो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मुझे दो डिटेक्टर रेल बनानी है ना। तो सबसे पहले मुझे इसे रखना है सेंटर में, इसके लेफ्ट साइड में मुझे कुछ इस तरीके से आयरन रखना है, वो भी दो दो सेम। इस तरफ भी हम लोग ऐसे रख देते हैं एंड नीचे हम लोग देते हैं रेड स्टोन डस्ट और लेस को। अबे तेरी छह बन गई, वाओ, मुझे पहले पता होता ना, मेरे को लग रहा था एक से एक बनेगी। भाई ये मैंने ज्यादा कभी क्राफ्ट नहीं करा है, ठीक है बाद में इमरजेंसी में काम आएगी, इसको यहाँ रखवाते हैं। बाकी ये जो बन गया इसको रखवा देते हैं यहाँ पर। अभी जितना भी काम का सामान है ना वो सारा का सारा इसके अंदर रखवाने वाला हूँ। ऑब्जर्वर हो गया, रेड स्टोन डस्ट हो गई, डिस्पेंसर बनाने मेरे को चार और, एंड डिस्पेंसर की रेसिपी होती है कॉबल स्टोन और वो लगती है इसके अंदर। भाई ओ वाओ, काश मैं उस फार्म से एक स्टैक स्ट्रिंग उठाकर ले आया होता, अभी मुझे अलग अलग चेस्ट में जाकर छाटने की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल अभी ढूंढना में पड़ेगा। चार स्ट्रिंग मुझे यहाँ से मिल गई है एंड चार यहाँ से मिल गई है। ओके, दो मुझे यहाँ से और मिल गई है। मेरे पूरे कासल में स्ट्रिंग कहीं ना कहीं तो पड़ी होगी अलग अलग चेस्ट में। लेट्स गो, भी 21 हो चुके हैं, मुझे टोटल 12 बनानी है, तो मेरे हिसाब से इसमें बन जानी चाहिए जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन बता रही है। फिलहाल अभी मुझे चाहिए होगी ढेर सारी स्टिक्स और स्टिक्स तो प्लैंक से बन जाएगी, मैं वहाँ कहाँ जा रहा हूँ। तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं एंड ये बन गई भाई ढेर सारे स्टिक्स। इस स्टिक्स को मुझे रखना है कुछ इस तरीके से, 1 2 3, एंड इसको मुझे यहाँ पर 4 4 रख देनी है। मैंने कुछ ज़्यादा ही कलेक्ट कर ली। फिलहाल एक बो, दो बो, तीन बो एंड चार बो। अब मुझे चाहिए होगा ढेर सारा कॉबल स्टोन जो कि इसके अंदर पड़ा हुआ है। फटाफट से इसको फिलहाल के लिए कलेक्ट करता हूँ, जो बाकी चीज़ें इसको यहाँ पर रखवा रहा हूँ, बट मुझे ये लगे यहाँ ध्यान से उठा लेनी है। एंड इसको मुझे रखना है कुछ इस टाइप से, चार चार रख देता हूँ ना मैं यहाँ पर। तो मैंने चार चार पीस इधर रख दिए एंड बीच में लगा देता हूँ मैं इन बो को, एक के ऊपर एक रखेंगे। वाओ, एक बार में एक ही बनने वाला है। चलो कोई नहीं, फटाफट से बनाते हैं। नीचे रखा रेड स्टोन डस्ट एंड ये बन गया डिस्पेंसर। दोबारा से रखो बो एंड नीचे तीन रेड स्टोन डस्ट रख देता हूँ ताकि मुझे बार बार बस डिस्पेंसर के लिए बो रखनी पड़े। अब बनाना है मुझे स्टिकी पिस्टन और स्टिकी पिस्टन बनाने के लिए हमें पहले पिस्टन बनाना पड़ता है और जहां तक मुझे उसकी रेसिपी याद है हमें तीन ये ऐसे रखने होते हैं, बगल में दो कॉबल स्टोन, बीच में एक आयरन और उसके नीचे रेड स्टोन। ओ भाई बिल्कुल सही है, लेट्स गो। अब इन पिस्टन को मुझे कन्वर्ट करना है स्टिकी पिस्टन में। वैसे मैं पांच ही बना पाता स्टिकी पिस्टन क्योंकि सीधी सी बात है भाई, मेरे पास इस टाइम पर ये जो स्लाइम है वो स्लाइम बॉल वो पांच ही थी। और अब मुझे लास्ट दो आइटम बनाने हैं, रेड स्टोन ब्लॉक एंड रिपीटर। तो रेड स्टोन ब्लॉक तो ये बन गया समझ लो अपना, लेट्स गो, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और मुझे ये एक नहीं, ये मेरे को दो बनाने हैं समझ लो, तो उसको मैं दो ले लेता हूँ। एंड रिपीटर की रेसिपी क्या होती है भाई, रिपीटर बताओ। तीन स्टोन नीचे लगेगा, उसके बाद दो रेड स्टोन टॉर्च एंड बीच में रेड स्टोन से बनेगा एक रिपीटर। तो गाइस देख लो, ये है वो सारा का सारा सामान जिससे कि आज हम लोग नेदर में तबाही मचाने वाले हैं। मैं एक बारी लास्ट चेक कर लेता हूं कि कोई चीज रह तो नहीं गई। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने तीन पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस बना लिए हैं क्योंकि आज हम लोग बहुत ज्यादा खतरनाक तबाही करने वाले हैं, वो भी नेदर में। चारों तरफ वाइट टीएनटी ब्लास्ट होंगे तो हो सकता है कहीं से भी लावा हमारे ऊपर आकर गिर जाए क्योंकि भाई नेदर में चारों तरफ लावा होता है। और इसी लावा से बचने के लिए मैंने इन पोशन को बना दिया। मैं एक पोशन पीऊंगा तो 8 मिनट तक लावा में तैर सकता हूं, मेरे लावा पानी के बराबर हो जाएगा। फिलहाल अभी इसको मैं यहां पर रखता हूं शल्कर बॉक्स को। और भी जो जो काम का सामान था जैसे ऑब्सीडियंस हो गए, ये फर्नेस मुझे चाहिए, ये वहीं पर जब मैं चीज बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा क्यों चाहिए फर्नेस। अभी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। मुझे एक सिल्क टच वाली पिकेक्स चाहिए क्योंकि गाइस जो टीएनटी ड्यूपर हम लोग बनाएंगे, टीएनटी ट्यूबर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा डेड कोरल फैन। और डेड कोरल फैन मिलता है ओशन में, वो जो एक बढ़िया सा ओशन नहीं आता जहां पर ऐसे पेड़ पौधे से होते हैं वहां पर वो मिल जाता है, बट उसको तोड़ने के लिए मुझे सिल्क टच वाली पिकेक्स चाहिए। तो इसको यहाँ पर मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ। भाई चार चार पिकेक्स ले जा रहा हूँ मैं अपने साथ, लेट्स गो। सब कुछ हो चुका है, थोड़े बहुत रॉकेट्स भी हैं और जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ना गाइस मींस वहीं पर आसपास कहीं पर भी हम लोग नेदर का अपना पोर्टल बना लेंगे। और एक तो एंडरमैन ने भाई साहब ठेका ले रखा है अपने कासल की लुक खराब करने का, कहीं पर भी लाके कुछ भी सामान रख देगा। बाहर से घास तोड़ के लाया, अंदर लाके रख दी भाई उसने, सब कुछ हो गया ना। वैसे कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई सामान भूल जाए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, भूल भी गए तो बाहर आकर ले लेंगे। फिलहाल अपना पोलर बियर आज आजाद हो गया भाई, सही में पूरा बाहर आकर आराम से चैन से घूम रहा है। थोड़े दिनों में ये इनके साथ मिक्स हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। चलो कोई नहीं गाइस, अभी बहुत हो गया। इलाइट्रा मैंने पहना हुआ है, लेट्स गो।
फटाफट से हम लोग निकलते हैं सीधा उस ओशन के लिए, और मैं उल्टा जा रहा हूँ। ओशन वो वाला इस तरफ है, मतलब जो अपना ओशन मॉन्यूमेंट है ना उससे थोड़ा पीछे आके वो जगह है, वहां पर ऐसे पूरा फ्लावर्स ही फ्लावर्स है उस ओशन में। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल वो ओशन मॉन्यूमेंट तो पीछे ही रह गया है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो वाला ओशन कहां पर चला गया जहां पर इतने सारे फ्लावर्स डेड कोरल ये सब होते हैं। भाई मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। फिलहाल आगे की तरफ का जो वाटर है ना उसका कलर कुछ तो चेंज है, और यहाँ पर नीचे ओ नहीं ये तो कुछ और है। मुझे लग रहा था कि यार ये वही जगह है। ओ लेट्स गो गाइस, फाइनली हमें वो जगह मिल गई। यहाँ पर नीचे देखो ये पिकल्स लगे हुए हैं, ऐसे पिकल्स ही बोलते हैं ना जहाँ तक मुझे याद है। हाँ इसे पिकल्स ही बोलते हैं। कलेक्ट करके देखता हूँ अभी इसका नाम हमें पता चल जाएगा कहाँ गए ये रहे। हाँ तो सी पिकल है। तो गाइस यही है वो जगह जहाँ से हमें डेड कोरल फैन मिलने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार सच्ची में ड्यू पर बनाने के लिए, टीएनटी ड्यू पर बनाने के लिए। यहाँ पर फिश भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कलर की है। मेरी सॉर्ड कहाँ है, इधर आना। तो इसे खा सकते हैं क्या? ओह ये दूसरी वाली फिश है, मैंने इसे आज से पहले कभी नहीं मारा भाई, सच्ची में पहली बार मार रहा हूँ। ये ट्रॉपिकल फिश है, और ये रे सारे डेड कोरल फैन। इसे नॉर्मल सॉर्ड से तोड़ूंगा नहीं, देखो नहीं मिलते, बट मेरे को इसके लिए चाहिए सिल्क टच वाली पिकैक्स। फिलहाल सांस लेने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। अरे भाई 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 दो मिनट, पहले खाना खा लेते हैं भाई। ये बहुत सही है, हम लोग पानी में खाना खा सकते हैं भाई, वरना तो प्रॉब्लम हो जाती। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी सारे डेड कोरल फैन है, 10-15 तोड़ लेता हूँ एक ही कलर के, और इसे लेकर चलते हैं। फिलहाल ये ऊपर गया, यहाँ पर भी है एक, इसे तोड़ो इसे तोड़ो। ये सारे डेड कोरल फैन गाइस मैं यहाँ से तोड़ लेता हूँ, थोड़े बहुत ना कलेक्ट करके मैं शल्कर बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकी। वैसे यहाँ पर इसकी कोई कमी नहीं है, आप लोग देख ही सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतने ज़्यादा इधर पड़े हुए हैं ना। बट ये जिस जगह पर मिलते हैं ना, ये जो आप जगह देख पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा रेयर है, मतलब मेरे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा रेयर है, मेरे को बड़ी मुश्किल से मिली थी। और ये है नकली स्पॉन्ज, देखने में ये स्पॉन्ज ही है क्या? मैं पहले भी थोड़ा धोखा खाया था, बट ये स्पॉन्ज नहीं होती, ये कुछ और ही होता है। एक बार इसे तोड़ के इस बारी कंफर्म कर लेता हूँ, क्या पता स्पॉन्ज हो इस बारी। ओके फिलहाल इसे मैंने तोड़ दिया, ऊपर चल के इसे कलेक्ट करते हैं एंड देखते हैं। भाई ये बिल्कुल स्पॉन्ज जैसी दिख रही है यार, और इसकी आवाज़ भी तोड़ने में स्पॉन्ज जैसी आ रही है। ये फिश को फेंक देता हूँ, इसे कलेक्ट कर ले। और ये देखो हॉर्न कॉरल ब्लॉक, मीन्स एक ही स्लॉट में कलेक्ट हो जाए। तो फिलहाल अभी मैंने काफ़ी सारे तोड़ दिए हैं, मेरे हिसाब से इतने बहुत हैं, और अभी मुझे निकलना चाहिए सीधा नेदर के लिए। मतलब यार नेदर के लिए मैं क्या ही अपनी कासल वापस जाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कि ना यहीं कहीं पर हम लोग पोर्टल बना लेते हैं बढ़िया सा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए ना मुझे थोड़े बहुत ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास इलाइट्रा तो है। ओ वाटर के अंदर भी यूज़ हो जाता है क्या? भाई मुझे सच्ची में नहीं पता था, पहले मैं ब्लॉक लगाता था उसके ऊपर खड़ा होता था फिर यूज़ करता था, बट अभी बहुत सही है। और ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है हम लोग। ओ भाई सब आधी एचपी चली गई, पहले तो ये पहनो। और गाइस अभी चलते हैं सीधा नेदर में, सब कुछ हो चुका है और अब मचानी है असली तबाही। तो पहले फूड खा लिया मैंने, हेल्थ वेल्थ अपना बढ़ती रहेगी। अपने पास ऑब्सीडियंस हैं तो यहीं पर हम लोग अपना पोर्टल बनाते हैं। फ्लिंट है मेरे पास, हाँ फ्लिंट भी है, लेट्स गो सब हो जाएगा। तो ये निकाल लिया मैंने ऑब्सीडियंस, एंड मुझे कम से कम ब्लॉक्स यूज़ करने हैं, इसलिए 1, 2, 3 यहाँ लगाता हूँ, दूसरा यहाँ, क्योंकि भाई ऑब्सीडियंस की अपने पास अभी बहुत कमी है। बट मेरे पास लावा है, मैं चाहूँ तो बहुत ऑब्सीडियंस बना सकता हूँ यार। ओके तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैंने एकदम मस्त फ्रेम बना लिया अपने पोर्टल का, जल्दी से हम लोग इसे फ्लिंट एंड स्टील से स्टार्ट करके ना पहले देख कर आते हैं कि आखिरकार ये किस साइड की तरफ में खुला है, मतलब कोई अजीब ही जगह होगी ना। तो वैसे अपने पास ये फायरवर्क्स आई तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बट फिर भी यार अच्छी जगह खुलना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। एक काम करता हूँ स्वॉर्ड अपने हाथ में ले लेता हूँ, अभी सब कुछ एकदम ओके है, लेट्स गो गाइस फटाफट से हम लोग चलते हैं नेदर में। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं सीधा नेदर में आ चुका हूँ, और जगह तो यार सच्ची में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिली है जैसी मेरे को चाहिए थी। मतलब मैंने कोई ऐसा एरिया ढूंढ रहा था जहाँ पर लावा पूल या फिर लावा का पूरा समुद्र, अरे यार नीचे वो देखो भाई, मैं बोल नहीं जा रहा था लावा ना हो यहाँ पर, बट काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं भाई, यहाँ पर वो नीचे भी बहुत सारा लावा है। मतलब अगर वहाँ उतना सा दिख रहा है ना तो समझ लो उसका into 10 होगा, क्योंकि भाई नेदर में हल्का फुल्का लावा नज़र आता है, बट जब उसे ज़मीन वमीन खोदो ना वहाँ पर तो पता चलता है आखिर ये जो लावा पूल है कितना बड़ा है। तो into 10 तो नहीं बट into 5 जरूर होगा। बट ये जो जगह है भाई बहुत ज़्यादा बेकार जगह पर हम लोग आए हैं, सारा नीचे, ये जो आप देख पा रहे हो ना पूल के इस ब्लॉक के नीचे से भी गया होगा, बस वही है। कुछ ब्लॉक्स यहाँ पर थोड़े माउंटेन टाइप बने हुए हैं, बट उसके नीचे भी एट द एंड लावा ही भरा होगा, तो मुझे कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। मतलब ये जगह ठीक है, यहाँ से थोड़ा बहुत ना आगे चलते हैं। वैसे यार मुझे लोडस्टोन, अच्छा मेरा लोडस्टोन तो नेदर में पड़ा हुआ है ना जहाँ पर मेरा ब्लेस फार्म है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको वहीं पड़े रहने दो। हमें वो जो दूसरा वाला फोर्ट्रेस है ना वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो फोर्ट्रेस था ना वो मेरे को तुक्के से मिला था, मुझे मालूम भी नहीं है एग्जैक्ट उसकी कोऑर्डिनेट्स और उसकी लोकेशन। फिलहाल मुझे ना पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, और अभी एक दिक्कत हो गई है, यहाँ पर दूसरे वाले पिगलिंस हैं जो कि मेरे को नहीं छोड़ेंगे अगर देख लिया तो। मैं बोल ही रहा था नहीं छोड़ेंगे, और ये मेरे से भागता हुआ लड़ने के लिए आ भी चुका है। मैं उसको मारूँ क्या उतर के? दूसरे वाले तो नहीं परेशान करेंगे अगर मैं इसको मारूंगा तो? पहले तो यार मैं, हाँ मैंने अपनी चेस्ट पहन ली है, लेट्स गो। तू भैंस की निकल यहाँ से। ओह भाई बहुत डेंजरस है भाई अपनी शार्पनेस, यार इधर बहुत लावा है। मैं अभी क्या भाई ये देख रहे हो कैसे कैसी जगह है,
हल्का सा भी पैर स्लिप हुआ, गेम खत्म। मतलब इतनी ज्यादा नहीं, गेम कैसे खत्म भाई, पोशन पड़े अपने पास, पी डालूंगा इसको जल्दी से। बट फिर भी यार सबसे पहले ना मेरे को एक बढ़िया सी जगह ढूंढनी पड़ेगी, वरना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या पता वहां पर लावा ना हो। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं उस जगह से थोड़ा बहुत आगे आ चुका हूं, और ये जगह ना मुझे काफी ज्यादा सही लग रही थी अभी तक। बट यार मैं कसम से बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा बेकार जगह है, हर जगह इतना सारा लावा भरा पड़ा है, और इधर ये ब्लैक स्टोन ब्रिक्स वो भी क्रैक्ड, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये या तो यहाँ पर आसपास ना बेशन रेमनेंट है, वरना ये ऐसे नॉर्मली होते नहीं यार किसी भी जगह पर। मतलब ये जो स्टोन है ना, ये बेशन रेमनेंट में ही मिलते हैं। और ये चेन भाई साहब, इधर चेन भी पड़ी हुई है, ये कैसी सी जगह है, ये कर क्या रहे इधर, कुछ ना कुछ तो गाइस इधर है, मैं 100% श्योर हूँ। यहाँ पर मेरे हिसाब से ना रुइंड पोर्टल हो सकता, हाँ ऑब्सीडियंस भी है। अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ पर कहीं तो रुइंड पोर्टल है, वैसे रुइंड पोर्टल ही है। और इसकी चेस्ट, ओके तो ये रही चेस्ट, और चेस्ट के अंदर है गाइस एनचेंटेड गोल्डन एप्पल। वाह भाई क्या किस्मत है, इसको ले लो भाई अभी फटाफट से। एंड गोल्डन बूट भी है, इसको पहन लेता हूँ, फिर जो दूसरे वाले मॉब्स हैं ना वो मेरे को परेशान नहीं करेंगे, बट मुझे नेदर राइट वाले संभाल के रखने पड़ेंगे। मेरे पास इतने सारे स्टोन ब्रिक्स है, ये फेंक देता हूँ, एंड ये जो नेदर रैक्स है ना इसको भी फेंक देता हूँ। एंड ये ले लिया मैंने गोल्डन बूट्स, बाकी ये सब मेरे हिसाब से किसी भी काम का नहीं है। अब फटाफट गाइस हम लोग, ओ नहीं 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 नहीं, ये पागल क्यों जाती है घास, आ जा भिड़ ले, 1v1 मैच हो गया इसका मेरा भाई। मैं अपनी प्रोटेक्शन तो कर ले रहा हूँ, बस इसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा मैं वापस से भाई, मैं उसको एक भी वापस नहीं मार पाया, और वो मेरे कम से कम भाई साहब 3-4 फायर चार्ज बजा के चली गई। बड़ी अच्छी बात है, मेरी ज़्यादा हेल्थ नहीं गई। अभी फिलहाल मुझे कोई दूसरी जगह ही ढूंढनी पड़ेगी, ये जगह बहुत ज़्यादा ही बेकार है। वैसे अच्छी बात तो ये कि मुझे ये मिल गया, और ये गोल्डन बूट्स मैंने पहने नहीं, लेट्स गो। अब फटाफट से गाइस इलाइट्रा पहनते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दूर चलते हैं, कोई ढंग की जगह में ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर लावा यार थोड़ा बहुत कम हो, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा लावा है ना, मैं किसी भी कीमत पे इस लावा को खत्म नहीं कर पाऊंगा भाई, बहुत टाइम लग जाएगा, एक आध साल लग जाएगा। वैसे गाइस इस बायोम में इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है, और मैं बात कर रहा था अंधेरे की, मुझे यहाँ पर एक और फोर्ट्रेस मिल गया। फोर्ट्रेस में चलेगा नहीं यार, आज फोर्ट्रेस वगैरह में जाने का टाइम नहीं है, ये जगह मेरे को थोड़ी बहुत ना सही लग रही है। यहाँ पर आसपास बिल्कुल, वो देखो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी लावा नहीं है, ऊपर से 4 लेयर का लावा, 4 नहीं 5 होगा, एक उस साइड भी होगा, 5 लेयर का लावा ऐसे गिरता हुआ आ रहा है ना भाई, देख के डर लग रहा है उसको। ओके अरे मैंने गोल्डन बूट्स पहने हुए हैं, अगर ये फालतू बोला ना इसको मैं बहुत मारूंगा। तो यहाँ पर नीचे जाने का एकदम मस्त रास्ता है भाई, मैंने इसको इलाइटर हटाओ, ये जगह गाइस एकदम बेस्ट है मेरे हिसाब से, यहाँ पर ज़्यादा लावा नहीं है। तो आज हम लोग जो अपनी 3 ट्रिक्स है ना उसको आजमाने वाले हैं। तो सबसे पहले ना एक सेकेंड आगे एक बार चेक कर कराता हूँ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है लावा होगा। ओ नहीं भाई, ये तो एकदम मस्त प्लेटफॉर्म है, लेफ्ट में है थोड़ा सा लावा, बट उतने से कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आज ना हम लोग सबसे पहले बनाने वाले हैं कैनन, मतलब एक ऐसी कैनन जो कि TNT फायर करेगी, और वो TNT आगे जाकर फूटेंगे। बट ये जो है ना एक टाइप से बस टेस्ट होने वाला है, मुझे नहीं पता है कैसे काम करेगी, मैं खुद ही से पहली बारी टेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह भी मिल गई है जहाँ पर हम लोग इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स गो, यहाँ पर थोड़े बहुत ये जो नेदर ब्रिक्स है ना इसको मैं तोड़ देता हूँ, तब हम लोग आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। तो एक अच्छी लुक देने के लिए जो नेदर ब्रिक्स मैंने तोड़ के कलेक्ट करे है ना, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, अभी सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लेट्स गो। अब गाइस हम लोग बनाने वाले हैं, मीन्स अपना आगे का काम करने वाले हैं, अपनी जो कैन है ना यहाँ से बनेगी, वो सीधा सामने की तरफ में फायर करेगी TNT आगे जाकर फटेंगे, और नीचे ऐसे गड्ढा होता जाएगा। हम लोग उसकी रेंज सेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से लेकर चाहे तो, मतलब जो जगह नजर भी नहीं आ रही है ना वहां तक उस TNT को फेंक कर हम लोग माइनिंग कर सकते हैं एंशिएंट डेब्रिस की। अब बाकी बनाकर देखते हैं कैसे काम करते हैं, क्योंकि भाई मैंने खुद कभी ट्राई नहीं करा है। तो सबसे पहले गाइस मुझे तो ना इन ब्लॉक्स को फेंकना है, क्योंकि मैं भी स्टोन ब्रिक्स यूज करने वाला हूं। तो यहां पर उनको ना पहले थोड़ी सी लेन बनानी पड़ेगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ब्लॉक्स मैं इधर लगा देता हूं, एंड 2 का गैप देके 1, 2 नहीं नहीं सॉरी ये तो 1 का गैप हो गया, अब ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे 3 का गैप हो गया हो, बट ये सही में 2 का गैप ही है। अब इसको हम लोग यहाँ से कवर कर देते हैं, इसके पीछे हम लोग यहाँ पर थोड़े से ब्लॉक्स और लगा देते हैं, अभी सब कुछ एक ओके है। अब बस मुझे लेफ्ट साइड में भी थोड़े बहुत और यहाँ पर ये अपने स्टोन ब्रिक्स लगाने हैं, ताकि अपनी कैनन का जो बेस है ना वो एकदम बढ़िया से रेडी हो जाए। सेम टू सेम मैं यही चीज़ राइट साइड में भी कर देता हूँ। अब मुझे अपने शल्कर बॉक्स से ना सारा सामान निकाल कर यहाँ पर एकदम प्रॉपर सेटअप करना है, जो मैं डिस्पेंसर्स वगैरह लेकर आया हूँ ना उस चीज़ का, इसको यहाँ पर रखते हैं अपने डिस्पेंसर्स ये पड़े, तो इसको लेना है मुझे, और साथ में मुझे चाहिए रेड स्टोन। और यार ये डरा क्यों रहे हैं मेरे को, यहीं कहीं पर है डरा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी इन्वेंट्री थोड़ी सी खाली कर देता हूँ, जो जो काम का सामान है उसे ऊपर रखवाते हैं। यहाँ से ले रिपीटर्स, टॉर्च ले लिया है, थोड़े बहुत ब्लॉक्स मेरे पास हैं ही,
तो इतने में मेरे हिसाब से अपना काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया और वो है टीएनटी। तो टीएनटी की तो भाई सबसे ज्यादा जरूरत है, तो यहाँ पर मैं दो स्टैक यूज करने वाला हूँ। मतलब ये एक ऐसी कैनन है ना कि इसके अंदर जितने टीएनटी डालेंगे उतना ज्यादा खतरनाक काम करेगी। मतलब M249 बन जाएगी। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कि M249 कैसी होती है। तो कुछ उस टाइप का ही सीन यहाँ पर होने वाला है, बहुत खतरनाक सा। बट अभी फिलहाल मैंने एक छोटी सी शायद गलती कर दी यहाँ से अपना। नहीं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो मुझे गाइस ये जो डिस्पेंसर्स है ना, ये लगाना है यहाँ पर। तो एक दो डिस्पेंसर्स मैंने इधर लगा दिए। वैसे मुझे ना तीन इस साइड लगाने थे। ये वाले जो डिस्पेंसर है ना, ये दो टीएनटी छोड़ेंगे यहाँ से और इधर मैं ऐसे लावा रख दूंगा। लावा बह के आगे तक जाएगा और वो जो टीएनटी है उसी लावा के फ्लो में बहते बहते यहाँ तक पहुंचेंगे। तभी यहाँ पर जो दो डिस्पेंसर्स मैं रखा हूँ, इस डिस्पेंसर से निकलेगा टीएनटी। ये वाले टीएनटी फटेंगे और वो वाला टीएनटी उड़ के ऐसे दूर जाएगा और एज अ शॉट स्नाइपर की तरह, नहीं बजूका की तरह निकलेगा और वहां जाके फट जाएगा भाई, बहुत खतरनाक तरीके से। हो सकता है अपना कैनन भी फूट जाए, मैं भी उधर दीवार में जाके भिड़ जाऊं। बट पूरी कोशिश करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से मैं इसे बनाऊं। फिलहाल थोड़ी बहुत चीजें हैं ना जो कि मेरे को इसमें मिस्टेक लग रही है, मुझे उसे बनाने के लिए थोड़ा बहुत ध्यान से इन रेडस्टोन रिपीटर्स को लगाना है और एक बार ही ना सही से टेस्ट करना है। मैं अगर यहाँ पर और डिस्पेंसर्स लगाऊंगा ना तो रिस्क बढ़ जाएगा, लेकिन हो सकता है अपनी मशीन की पावर भी बढ़ जाए। तो वैसे रिस्क नहीं बढ़ाना भाई, पावर बढ़े ना बढ़े थोड़ा बहुत भी काम कर रहा है, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। फिलहाल अभी ये जो है रिपीटर्स, वैसे यहाँ रिपीटर्स लगाने की जरूरत नहीं है, रिपीटर मुझे लगाने इधर लगा, रिपीटर इधर लगा एंड यहाँ पर लगेगा रिपीटर्स। वैसे गाइस बातों में मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, मुझे यहाँ पर ना थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा सबसे पहले तो, और साथ ही ये जो मैंने जितने भी रिपीटर्स यहाँ पर लगाए हैं ना, इन सभी रिपीटर्स को मुझे तोड़कर इस साइड पर लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 वो भाई अभी नीचे ही चले जाता। और इन सब के अंदर मुझे अब डालना है डिले। मतलब इससे क्या होगा कि जब मैं करंट यहाँ से पास करूंगा ना, तो करंट इस वाले डिस्पेंसर पर तुरंत पहुंच जाएगा, यहाँ से टीएनटी निकल जाएंगे। बट इससे करंट जो है धीरे धीरे ना डिले होता हुआ जाएगा। तो ये वाले टीएनटी जब तक यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद इसमें से टीएनटी निकलेगा, फिर ये वाला ब्लास्ट होगा और वाला चार्ज में रहेगा और आगे जाकर फटेगा। तो इन समय मैंने डिले डाल दिया है, मेरे हिसाब से ये डिले परफेक्ट है। बट हम लोग इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए इसके अंदर मैं अभी टीएनटी नहीं रखूंगा, इसके अंदर कोई ऐसी चीज डाल देता है जो कि ब्लास्ट ना हो। हाँ, तो अपने पास स्टोन ब्रिक्स बहुत ज्यादा फालतू पड़े हैं। एक मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, एक इसके अंदर डाल देता हूँ एंड सब के अंदर एक एक डाल देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा टोटल कितने सेकंड का यहाँ पर डिले काम कर रहा है। लेट्स गो, सब कुछ एकदम ओके है। अभी कनेक्शन प्रॉपर नहीं हुए हैं भाई, सब कुछ तो ओके हो गया बट कनेक्शंस पूरे रह रहे हैं। स्टोन पिक्स को मुझे थोड़ा सा पीछे लाकर पूरा कवर करना पड़ेगा। अभी मेरे को लेकर आनी है रेडस्टोन डस्ट, जो कि मेरे पास ये पड़ी। फटाफट से गाइस इसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, 1 2 3 4 5 और अब करंट जाएगा इसके ऊपर। ये एकदम ओके हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इस रेडस्टोन डस्ट को लगाना है यहाँ पर और यहाँ से मुझे करंट ना दोबारा से घुमाना है, ठीक है। मतलब कि जब ये इधर पहुंच जाए उसके बाद करंट दोबारा से फ्लो होकर वापस उस तरफ में जाए, ताकि ये दोबारा से एक्टिव हो जाए। बट ये थोड़ा बहुत ना रिस्की है, इस चीज़ को भी हम लोग ना यहीं पर स्टॉप देते हैं। और वैसे भी इसके अंदर एक रिपीटर लगेगा, तो इसको तोड़ के मैं यहाँ पर एक और रिपीटर लगा देता हूँ, डिले दे देते हैं सब में। अभी एकदम ओके है, अभी इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं भाई। अभी मेरे को ये रिस्की लग रहा है, ट्राई करूँ या ना करूँ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये वाला ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा पहले, तो कर लेते हैं गाइस ट्राई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये जो चीज़ है ना वो करना जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सही तरीके से काम कर जाए। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि अपना ये जो कैनन है ना, ये पूरी ब्लास्ट होने वाली है और मैं भी जाके उधर दीवार में चिपक के भिड़ने वाला हूँ, बहुत गंदे वाला। अभी मेरे को चाहिए रेड स्टोन ब्लॉक, इसको मुझे लगाना है यहाँ पर एंड इसके पीछे मेरे को लगाना है लीवर। तो लीवर कहाँ पर चला गया, एक मिनट में, लीवर मेरे पास है, ओके हाँ। तो ये जो लीवर है ना गाइज, ये मुझे लगाना है इस साइड पर, इस स्टिकी पिस्टन के पीछे एंड यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बेस बनाना है अपने खड़े होने के लिए। तो अभी क्या होगा ना गाइज, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही मैं इस लीवर को ऑन करूंगा उसके बाद मुझे तुरंत इस लीवर को तोड़ना है। ऑन होते ही ये इसको आगे धकेलेगा रेडस्टोन ब्लॉक को, रेडस्टोन ब्लॉक इसमें भी करंट डालेगा और साथ ही इसमें करंट डालेगा, इसमें करंट जाते टीएनटी यहाँ से निकलेगा। अभी तो कुछ नहीं है, अभी ये टेस्ट कर रहा हूँ। टीएनटी निकल के आगे तक जाएगा और मुझे यहाँ पर ब्लॉक्स लगाने, मैंने लगाए नहीं थे, अभी ओके है। टीएनटी यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर इसमें से निकलेगा, फिर आगे जाकर ब्लास्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ना ऐसा लग रहा है कि हो सकता है टीएनटी ना थोड़ा सा आगे की तरफ में आ जाए। आगे आ जाए चलेगा, बट अगर इसके ऊपर आ गए ना तो गड़बड़ जाएगी, इसीलिए मैंने उसे साइड कर दिया है। अब सब ओके है और ऐसा होने वाला है कि यहाँ जैसे ही आगे आएगा ना, फिर ये वापस पीछे चले जाएगा, फिर करंट जाएगा, वापस से फ्लो होगा, ये फिर आगे होएगा, फिर पीछे होएगा, ऐसा होने वाला है। अभी हम लोग टेस्ट करते हैं इसे। इसको तो अभी मैं एक ही बार ऑन करने वाला हूँ। ये देखो, ये ब्लॉक्स निकल गए और पूरे हेलो निकला क्यों नहीं है, इसमें से ब्लॉक्स नहीं निकले ना। ओके 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 गाइस, थोड़ी सी कनेक्शन प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है। सबसे पहले तो मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा
एंड इसमें से मुझे ब्लॉक्स निकालने के लिए मैंने अभी गलती ये करी है, यहाँ पर ये वाला जो रेड स्टोन है ना, रेड स्टोन डस्ट मेरे पास सारा खत्म हो गया। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मेरे हिसाब से सब कुछ एकदम प्रॉपरली सेट हो गया है, और पहले रेड स्टोन डस्ट की कमी पड़ रही थी और अभी एक ब्लॉक एक्स्ट्रा बच चुका है। तो मेरे हिसाब से गाइस अभी कनेक्शन प्रॉपर हो चुका है, इसको एक बार ऑन करते हैं और देखते हैं करंट यहाँ तक पहुँचा, इसके अंदर गया और ये दोनों यहाँ से ब्लॉक्स बाहर निकल गए। अब सब कुछ ओके है, बट इसके अंदर गैप कितना जा रहा है यार, मैंने ये तो चेक करा ही नहीं। इसको मुझे यार तोड़ना पड़ेगा, रुक जो, यहाँ से नहीं, इस जगह को मैं तोड़ दूंगा, सारा कनेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी पहले करंट को वापस आ जाने देते हैं, मुझे चेक करना है। टोटल कम से कम 3 सेकंड का गैप होना चाहिए, क्योंकि TNT चार्ज होने में 3 सेकंड पूरे लगाता है। ये ऑन करा मैंने एंड ये वापस गया, दो सेकंड में हो जा रहा है यार, 2 सेकंड में करंट वहां तक पहुंच जा रहा है। थोड़ा सा रिस्क है, वापस देखो जो चीज़ मैं बनाना चाह रहा था ना वो एकदम ओके हो चुकी है। कैसे देखो, ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, पहले वहां गया करंट, फिर ये आगे हुआ, फिर करंट आया, फिर इसमें से TNT निकलेगा, सब कुछ एकदम ओके हुआ है। बस थोड़ा सा ना डिले देना पड़ेगा मेरे को, जो कि मैंने पूरा दे रखा है, इससे ज़्यादा डिले। ओह, मेरे पास एक और रिपीटर है ना, बस फिर हो गया काम अपना। और यहाँ पर अरे रुक जा भाई, क्या हो गया, काम ही करे जा रहा है क्या, भूत वूत है क्या, लीवर के पीछे कोई चलाया जा रहा है उसे। ओके, सब कुछ एकदम ओके है, बस मुझे यहाँ पर लावा बकेट डालनी है, इन सभी के अंदर TNT भरना, और मैं यहाँ से भागने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता भाई ये कैसा काम करेगा। तो सबके अंदर गाइस हम लोग ना 30 नहीं, फर्स्ट टाइम में इतने ज़्यादा नहीं डालने, एक एक TNT डाल देता हूँ सब में, ताकि पता तो चल जाए आखिर कैसा कर रहा है काम। उसके बाद हम लोग इसके अंदर 30-30 TNT भर के ना इस कैनन को चला कर देंगे, ऑटोमेटिकली फायर करते रहेगी भाई, बहुत डेंजरस होने वाला। सामने कोई मोप वोप आ गया भाई, उसका भूत बन जाएगा आज, गंदे वाला, सही बता रहा हूँ। ओके, लावा यहाँ पर गया है, लावा भाई कसम से फैला क्यों नहीं, एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ ना, लावा आगे नहीं गया ना, तो इसको मैं वॉल उठा देता हूँ। अब सीधी सी बात है, TNT अगर निकलेगा तो इसी के अंदर जाएगा, और कहीं वो जा नहीं सकता। बाकी TNT थोड़ा आगे ना जाए तो मुझे इसकी एक रेंज बढ़ानी पड़ेगी। वैसे गाइस आप लोग को ये चीज़ पता है कि जो लावा होता है ये नॉर्मल वर्ल्ड में ना इसकी लेंथ, मतलब जहाँ पर हम डालेंगे ना, तो उससे 3 ब्लॉक तक आगे ही जाता है तैर के, मतलब ऐसे फ्लो होके, बट नेदर में पूरे 7 ब्लॉक तक आगे जाता है। ओके, तो शायद से मुझे ब्लॉक यहाँ पर लगा देना चाहिए, अभी सब कुछ एकदम ओके है ना, सब कुछ एकदम ओके है गाइस, लेट्स गो। अपना फार्म पूरा रेडी है एक TNT फायर करने के लिए, इसको मैं ऑन करके ऑफ करके यहाँ से भागने वाला हूँ। भागो भागो भैंस की, कुछ भी हो सकता है, सामने से TNT निकले, प्लीज काम कर जा। ओ गया गया। ओ भाई वो आगे जाकर ब्लास्ट हुआ है वहां पर नीचे, मुझे पता है दिखा नहीं होगा क्योंकि मुझे खुद नहीं दिखा है। लाल अभी फार्म काम करने लग गया है, इसको पहले बंद करना पड़ेगा, और बंद करने के लिए अरे रुक जा भाई, ये ऐसे काम ही करता रह जाएगा, मुझे ये वाला रेडस्टोन डस्ट तोड़ना ही पड़ेगा। बस अभी इसे लगाते हैं, क्योंकि करंट आता है फिर वापस फ्लो के चले जाता है, वही करंट पूरा गोल गोल फ्लो होता रहता है। अब गाइस इसके अंदर मुझे भरने हैं TNT, लेट्स गो। ये रहा एक अपना डिस्पेंसर, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 30 डाल दूँ क्या, डर लग रहा है इतने ज़्यादा TNT डालने में, कसम से पता चला बाद में उड़ उड़ के मेरे ऊपर ही आ रहे हैं। वैसे हल्का सा भी टाइमिंग का दिक्कत हुआ ना, ये कैनन तुरंत ख़राब है, तो टाइमिंग इसकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो इस बार मैं आगे नहीं जाऊँगा उड़ के, यहीं पर रहूँगा, इसको ऑफ कर देता हूँ अभी। अब अपने एकदम मस्त काम करा, करंट आया, TNT सेट हुआ। ओ भाई ये तो यहीं फूटा नहीं, नीचे गया वो देखो, ये गए, अबे मैं नीचे चले जाऊँगा भाई, थोड़ा सा टाइमिंग का दिक्कत है। ओ एक सेकंड, इसे पॉज करो, इसको बंद करना पड़ेगा, पहले भागो यहाँ से, काम तो एकदम ओ गए। अबे भाई यहाँ पर भी थोड़े बहुत रुक जा रहे हैं, बट आगे जाकर ये काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सही। पता सीन क्या हो रहा है, मेरे को ना इसके अंदर और भी ज़्यादा डिले डालना पड़ेगा। तो गाइस अभी ना फिलहाल बहुत सोच लिया है, लेकिन बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि आखिर मैं यहाँ का डिले कैसे बढ़ाऊंगा। मतलब कि मैं बढ़ा तो सकता हूँ, बट मुझे उसके लिए और भी रेडस्टोन डस्ट और रेडस्टोन रिपीटर्स चाहिए, जिसको लेने के लिए मुझे अपने कासल वापस जाना पड़ेगा, और मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो एक काम तो एकदम बढ़िया कर रहा है, मैं पता क्या सोच रहा हूँ, उल्टा डिले कम कर दूँ ताकि धड़ाई इसमें से TNT गिरे। वैसे इस फार्म को ना अभी चला देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चलते रहेगा। रेडस्टोन ही नहीं लगाया था यहाँ पर, अभी एकदम ओके है। एक बार इन्हें से चला कर देखते हैं कि कितनी रेंज इसकी जाती है, थोड़ी देर बाद चले। अरे 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 भाई मैं दूर हो जा रहा हूँ, मैं नहीं देख सकता भाई इस फार्म को, मेरे को यहाँ से जाने दो, मैं साइड जाकर ही देख लेता हूँ, बढ़िया रहेगा एकदम। ये देखो भाई कैसे TNT निकल के जा रहे हैं, तो TNT जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर पड़ा हुआ है भैया ढेर सारा लावा। तो सीधी सी बात है वो जगह को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, मुझे पहले इसे बंद करके हाँ करना है, यहाँ का लावा खत्म करना पड़ेगा, यही एक दिक्कत है भाई, लावा आ जाता है। बस लावा पूल तो नहीं है, वो दो ही ब्लॉक्स का लावा है। रुक जा मेरे TNT बर्बाद हो रहे हैं भाई, रुक जा। अरे बंद हो जा भाई, रुक जा। ओके शांति। ओ तेरी पर ये यहाँ पर भी फट जा रहे हैं एक दो, मतलब दो तो यहीं पर फटने हैं, बट अच्छी बात है कि लावा के अंदर है इसलिए कोई जगह को डैमेज नहीं पहुँच रहा। वैसे गाइस दिमाग में थोड़ा सा एक मस्त आइडिया आया, मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ना हम लोग एक डिस्पेंसर और लगा कर देखते हैं कि क्या सीन बैठता है। मेरे पास रेडस्टोन भी पड़ा हुआ है, और डिस्पेंसर भी अपने पास एक्स्ट्रा है ही, तो उसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, क्या पता थोड़ी बहुत रेंज बढ़ जाए भाई, मज़ा आ जाएगा। इस टाइम पर मुझको रेंज ही चाहिए एकदम आगे तक, जो
भाई कैसे लग गया? अच्छा मैंने रेड स्टोन पे क्लिक कर दिया था, ठीक है। तो इसमें से हम लोग नहीं, इसके अंदर TNT रखे रहने दो भाई, यहाँ से निकाल के लाते हैं। ये रे 12 TNT, 12 नहीं पूरे 15 ही ले जाएंगे, क्योंकि इस टाइम सब में 15 ही पड़े होंगे, तो इसके अंदर भी हम लोग 15 TNT डालने वाले हैं। अभी एकदम ओके, अभी 3 डिस्पेंसर यहाँ पर हो चुके हैं, देखते हैं कि गाइस अभी कितना फर्क पड़ता है। बट इसको चलाने से पहले ना गाइस मुझे वहाँ पर ठीक करके आना पड़ेगा माहौल, तो इलाइट्रा पहन लेता हूँ ताकि जंप करूँ तो ज़्यादा डैमेज ना पहुँचे। तो ओके गाइस अभी फिलहाल मैं वापस से आ चुका हूँ सीधा अपने फार्म पे, नहीं ये सॉरी TNT कैनन है, मैं भूल जाता हूँ। तो मुझे इसे चलाने के लिए क्या करना था, यहाँ पर रखने रेडस्टोन डस्ट एंड इसको चला के बंद। लेट्स गो, भागो भाई यहाँ से, सामने की तरफ में चलकर देखते हैं कि भाई आखिर ये कैसा धमाका कर रहा है। ओहो भाई नीचे ही गिर गया एक, तो मतलब ये ना गाइस पतक, वो देखो मैं वही बोलने जा रहा था कि इसकी कोई लिमिट ना सेट नहीं है। अरे 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 भाई 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 ये मरवाएगी घास मेरे को, मार मार वापस ले से, अभी इसको मैं वापस मारूंगा अपने हाथ। ओ भाई सॉरी सॉरी सॉरी, इलाइट्रा पहना हुआ मैंने, मैं मर जाऊंगा भाई। फार्म अच्छा खासा चल रहा था बट मुझे लग रहा है कोई ना कोई तो गड़बड़ हुई है, चलते चलते बंद तो नहीं हुआ है बट TNT वहीं फटे जा रहे हैं भाई। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने अपने इस कैनन को तो ठीक कर दिया है, और मैं सही बता रहा हूँ लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, मतलब जब मैं नीचे घास आई थी ना तो उसने एक अटैक यहाँ पर भी करा था, जिस वजह से यहाँ के जो रेडस्टोन है ना भाई, रेडस्टोन डस्ट ये टूट गई थी, क्योंकि अगर TNT खत्म हुए होते ना तो वो इस वाले डिस्पेंसर से भी हो जाते, बट उसने वाला डिस्पेंसर ही तोड़ दिया था और पीछे जितना भी रेडस्टोन डस्ट था वो भी सारा खत्म कर दिया था। फिलहाल जितने रिपीटर्स हैं सारे दोबारा लगाए, मैंने सबसे डिले हट गया था, थोड़े बहुत TNT मुझे इसके अंदर अभी और लाकर डालने पड़ेंगे। तो अभी ना मैं एक स्टैक TNT ना उसी के अंदर ले जाकर लगाने वाला हूं। अब फाइनल इसको रन कराकर देखते हैं और देखते हैं आखिरकार ये कितना खतरनाक काम करने वाला है। मुझे यहां पर थोड़े कम TNT डालने की जरूरत है वैसे, इसके अंदर मुझे डालने टोटल 16 एंड इसके अंदर जो 32 डाले ना उससे 16 निकाल कर मैं 16 इसमें डाल, अरे इसके अंदर तो 12 मैंने भी डाले थे ना, ठीक है वैसे इतने मेरे हिसाब से बहुत है, ये लेकर मैं इसमें डाल देता हूँ, सब कुछ एकदम ओके है। तो गाइस अभी जो अपना फार्म है ना वो टोटल 16 टाइम तक रन करने वाला है, तो जैसे ये 16 TNT फेंक देगा ना मुझे इसे तुरंत स्टॉप करना पड़ेगा। और अभी ये जो ब्लेज है ना इनको अब मैं कूटूंगा, बहुत देर से फालतू बोल रहे थे। चलो गाइस अभी फिलहाल मैंने इन सबको भी लपेट दिया है, फटाफट से अपने फार्म को स्टार्ट करते हैं। इससे तो कुछ भी एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिला, मतलब मिलेगा इससे, बट इससे एंशिएंट डेब्रिस लेने के लिए ना हमें TNT कहाँ गया, ऊपर गया था ना ओतरी भाई, ये शल्कर बॉक्स दो मेरा, अरे यार रुक जाओ मेरा शल्कर बॉक्स दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं चलाना है फार्म भाई, पता नहीं इस बार क्या गड़बड़ हुई है, ये उल्टा काम कर रहा है यार। एक मिनट इसको ऑफ कैसे करने जाऊँ, ऑफ कर देता हूँ यार वरना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, अभी सब कुछ एकदम ओके है। बस 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 बंद हो जा, अब मत फेंको पीछे TNT यार, ओके पता नहीं क्या गड़बड़ हुई थी पीछे TNT पता नहीं कैसे फेंक रहा था यार, है तो एकदम ओके, कहीं से भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। एक लास्ट ट्राई करते हैं फिर देखते हैं क्या होने वाला है भाई, मतलब काम तो एकदम ओके कर रहा है बट भैया आप लोग समझ गए होंगे भाई क्या सीन है यहाँ पर, एक TNT ऊपर जाकर थोड़ा सा फूट रहा है भाई, ये देखो फिर उल्टा काम कर रहा है। ओ गया इस बार नहीं बचेगा, लो भाई भागो भागो, अरे 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 बहुत गलत सीन हो गया, सही है कि मैं लावा में ही नहीं गिरा। अभी गाइस ये जो है ना इसको जैसे ही मैंने डिस्पेंसर बढ़ाया वैसे ही गड़बड़ हुई है, तो इसके अंदर ना हमें दो ही दो रखने हैं, बट TNT बहुत ज़्यादा ला के डालने पड़ेंगे और डिले विले भी उतना देने की जरूरत नहीं है, बस कवर बना देना अच्छा खासा। फिलहाल यहाँ पर जो अपने TNT बचे कुछ है ना इनको यहाँ से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। अरे भाई 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 भाई, भाई पहले निकलो यहाँ से, अपना आर्मर है ना बस फिर कोई टेंशन नहीं है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सी जगह मिल गई है जहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि इसके नीचे लावा या फिर लावा पूल होगा, तो मेरे हिसाब से वो जो मैं ड्यू पर बनाने जा रहा हूँ ना जिससे TNT धड़ाईधड़ बारिश की तरह स्पोन होने वाले हैं, उसके लिए ये जगह मेरे हिसाब से एकदम बेस्ट रहेगी, क्योंकि वैसे वो जगह नॉर्मल जगह के लिए भी बेस्ट रहती है बट हाँ लावा कम हो तो बेटर है। फिलहाल अभी ना मैं यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लॉक्स तोड़ देता हूँ और एक बार चेक कर लेता हूँ कि इस टाइम पर मेरी हाइट ओके 55 चल रही है, ठीक है, तो अराउंड 50 के आसपास ही मुझे ब्लास्ट करने हैं टोटल 10 TNT, मतलब ऐसा मैंने सोच रखा है 10 ब्लास्ट करूंगा तो थोड़ा बहुत एरिया एकदम मस्त इधर बन जाएगा। फिलहाल नीचे भी एक मेरे को TNT लगाना है, यहाँ से उतर के मैं नीचे लगाता हूँ, उसके बाद चढ़कर मैं आता हूँ ऊपर एंड यहाँ पर भी हम लोग TNT भर के लगा देते हैं एंड अभी मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ स्प्लिंट, बाकियों में भी लगा देता हूँ और भाग लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा दूर, गदारी ब्लास्ट होने वाला है यहाँ पर। ओ भाई एक सेकंड भाई भाई यहाँ तक पहुँच जाएगा मुझे मालूम नहीं था बट अभी मुझे पता चला, मतलब पता नहीं चला, पता था कि भाई नेदर जो होते हैं ना नेदर रैक्स ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, इसीलिए भाई मतलब एक TNT से इतने सारे फूट जाते हैं मैं क्या बताऊँ। फिलहाल ये डेड कोरल, अच्छा डेड कोरल लिया मैं, वही कहूँ डेड कोरल मेरी इन्वेंट्री से बाहर कैसे आ गई, बट ये कुछ और चीज़ है। चलो कोई नहीं गाइस अभी फिलहाल जगह एकदम मस्त सेट हो चुकी है, अब बस मुझे कुछ नहीं करना, पहले ना यहाँ से ऊपर चलना है और अच्छी बात तो ये कि यहाँ पर कोई लावा पूल नहीं था, वरना तो यार मैं गिर के मर जाता अभी तक, वैसे नहीं मरता क्यों भाई अपने पास पोशन है इतने सारे बट वो पोशन शल्कर बॉक्स में, तो सीधी सी बात है मैं मर जाता क्योंकि शल्कर बॉक्स को मुझे कहीं रखना पड़ता है इन पोशन को निकालने के लिए, बट अभी सही है भाई एक पोशन अपने हाथ में रहना चाहिए वरना नेदर में बहुत खतरा है। ओके तो फिलहाल अभी मैंने अपने शल्कर बॉक्स कलेक्ट कर लिया है, सबसे पहले ना गाइस मैं यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग अपना फार्म बनाने वाले हैं, बट उससे पहले
पहले मैं इलाइट्रा हटाकर अपनी ये चेस्ट प्लेट पहन लेता हूँ। लेट्स गो, मेरे हिसाब से इतनी हाइट एकदम परफेक्ट है। एंड यहाँ से गाइस हमें अपना वो जो डबल ड्यूपर मीन्स अनलिमिटेड TNT ड्रॉपर को बनाने का काम स्टार्ट करना है। तो उसको बनाने के लिए ना गाइस मुझे सबसे पहले यहाँ पर कुछ 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक्स इधर बनाने हैं। तो मैं सबसे पहले ना ड्यूपर बना देता हूँ, उसके बाद हम लोग ना उसका पीछे कनेक्शन करेंगे कि किस तरीके से वो चलने वाला है, कि वो कंटिन्यूसली अनलिमिटेड चलता रहे। तो सारा सामान उसका मैंने शल्कर बॉक्स में रखा था, शल्कर बॉक्स को निकालते हैं। मुझे 2 माइन कार्ड चाहिए एंड ऑब्जर्वर्स भी चाहिए, डिटेक्टर रेल भी चाहिए, सब कुछ ही चाहिए। तो एक एक करके यहाँ से मैं सामान निकाल कर ले जाने वाला हूँ। फिलहाल थोड़ी सी इन्वेंट्री खाली कर देते हैं, जो जो चीज़ का भी यूज़ नहीं है ना उसको मैंने रख दिया है। तो ये सबसे पहले तो मेरा स्लाइम लगना है, ठीक है। बट स्लाइम से पहले लगने वाले हैं स्टिकी पिस्टन। तो स्टिकी पिस्टन का जो फेस है ना वो भी दूसरी डायरेक्शन में होना चाहिए, जिसके लिए मुझे कुछ ब्लॉक्स चाहिए। अभी सब कुछ एकदम ओके है। और गाइस इसको ना इतना आगे जाके नहीं, मैंने कुछ ज्यादा आगे आ गया हूँ, तो यहाँ पर जितने स्टोन पिक्स है ना इनको मैं तोड़ देता हूँ। थोड़ा सा ना पीछे होकर बनाते हैं इस जगह से, मेरे हिसाब से गाइस अभी एकदम परफेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर 4 स्टोन ब्रिक्स लगा देते हैं। इधर मुझे को लगाना है स्टिकी पिस्टन, बट उससे पहले मुझे इधर एक ये लगाना है, उसको तोड़ना है, फिर यहाँ पर लगेगा स्टिकी पिस्टन एक इधर एंड एक लगेगा इसके 2 ब्लॉक के गैप में। अब इतना करने के बाद गाइस मुझे इसे तोड़ देना है एंड इसको तोड़ने के बाद यहाँ लगेगा एक स्लाइम इधर एंड एक स्लाइम मेरे को इसके लेफ्ट साइड में लगानी है और एक स्लाइम मेरे को इसके नीचे लगानी है। जैसे जैसे मैं लेफ्ट में कर रहा हूँ सेम वही चीज़ मुझे राइट में भी करते जानी है, बट नीचे लगाने के लिए ना गाइस मुझे थोड़ा सा ना नीचे उतर के भी तो जाना पड़ेगा। ओके, तो सेम ऐसे ही मैं एक स्लाइम उसके नीचे भी लगाता हूँ और इसके नीचे भी एंड एक एक स्लाइम मेरे को इसके आगे लगानी है। बाकी स्लाइम का लगाने का जितना भी काम था वो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है। अब बस मुझे यहाँ से ऊपर चलना है, एक जगह और लगनी है, बस अपना काम हो जाएगा। मतलब जो मेन काम था ना वो सारा कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे चाहिए होगी वॉल्स, और वॉल्स मैंने कहा, एक सेकेंड, मेरा शल्कर बॉक्स, हेलो, अच्छा मैंने उठा लिया था भाई, मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ पर चला गया, अभी यहीं तो था। तो इसको ना यहाँ पर रखवा देते हैं, नहीं यार उसको थोड़ा सा ना दूर रखवा देता हूँ, क्योंकि अगर बाय चांस एक TNT गलत चला गया ना तो ये टूट ना जाए, कवर कर देते हैं इसे। वैसे नहीं टूटेगा यार, ड्यूपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उसमें भली दिक्कत आई थी और कहीं से तो पिघल। अरे भाई भाई भाई, मैं बहुत ज़्यादा गलत जगह पे हूँ यार, मतलब आ तो नहीं पाएगा मेरे पास, पर फिर भी यार बहुत तेरी लो भैंस की गया नीचे। खैर छोड़ो गाइस, इन पिक को इग्नोर मारते हैं वरना ये तो मेरे को परेशान करते ही रहेंगे। अभी फिलहाल मुझे चाहिए होगा डेड कोरल फैन। इतना करने के बाद ये जो साइड वाली स्लाइम है ना मुझे उसके ऊपर डेड कोरल फैन को लगा देना कुछ इस तरीके से। अब ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे चाहिए डिटेक्टर रेल और माइन कार्ड, और दोनों के ऊपर मुझे 2-2 रख देनी है। फिलहाल थोड़ा सा स्पेस खाली करा, ये उठा ली, इसको भी साइड करके दोनों में माइन कार्ड उठा लेता हूँ एंड दोनों माइन कार्ड को हम लोग रखते हैं नीचे। एंड पहले डिटेक्टर रेल रखनी है, इसलिए डिटेक्टर रेल को मेरे को एक यहाँ पर रखनी है एंड दूसरी वाली एक तो ना गाइस, ये देखो एक मस्त चीज दिखाता हूँ, ये देखो अभी मैं कैसे कूद रहा हूँ इसके ऊपर, जैसे क्रेजी बोलनी होती है, मतलब एक नॉर्मल बॉल की तरह, ये काफी ज्यादा मस्त होते हैं और इससे बहुत सारी चीजें बन जाती है। और यहाँ पर इसे रखना है, ये भी हो चुका है। अब बस मुझे एक वॉल लगानी है, TNT लगाना है। अपने जो ड्रॉपर्स हैं वो दोनों एकदम प्योर रेडी हो चुके हैं, बट मुझे ना एक बार नीचे जाकर ना थोड़े बहुत ब्लॉक्स तोड़ने पड़ेंगे। तो गाइस अभी फिलहाल इतना करने के बाद ये जो मेरे पास ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन है ना इसको मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और गाइस मुझे एक ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन की जरूरत हो रहा है और वो मैं गाइस वहीं पर छोड़ा है। चलो कोई नहीं, फिलहाल वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ अभी फटाफट से। इतना करने के बाद यहाँ पर मुझे लगानी है रेडस्टोन टॉर्च एंड उसके बाद मेरे को चाहिए ढेर सारी रेडस्टोन डस्ट। वैसे मैं यहाँ से एक और बना सकता हूँ, बट रेडस्टोन डस्ट की कमी पड़ जाएगी, सीधी सी बात है। इसको कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है और अपना समझ लो ऑलमोस्ट काम सारा डन हो चुका है। एक बारी मुझे बस इसे चलाकर देखना पड़ेगा कि ये सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो ये पड़े लीवर, इस लीवर को मैं रखता हूं यहां पे एंड अभी मैं इसको करता हूं ऑन। ओके, ओ हेलो भैंस की, माइन कार्ट नीचे जाकर गिर गई। चलो कोई नहीं, वैसे मेरे पास एक्स्ट्रा माइन कार्ट है, वो नीचे जाकर इसलिए गिरी है क्योंकि गाइस मैंने आगे वॉल नहीं लगाया था यार। तो ये जो 2 वॉल है ना गाइस ये भी मुझे वहां पर लगानी पड़ेगी। वो देखो गाइस दोनों माइन कार्ट वहां नीचे पड़े हुई है, तो मुझे एक माइन कार्ट इधर लगानी है दोबारा से एंड दूसरी वाली जो माइन कार्ट है वो इसके आगे लगानी है। एंड इन दोनों माइन कार्ट के आगे गाइस मुझे इस वाले स्लाइम पर लगाना है एक वॉल। वॉल लगाने के लिए मैं स्टोन ब्रिक्स लगा करना थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ ताकि कहीं जल्दबाजी में गलत ना लग जाए। एक इधर लगाई है एंड सेम दूसरी ऐसे मेरे को दूसरे वाले साइड पर लगानी है कुछ इस टाइप से। लेट्स गो, अपना इतना काम हो चुका है, अभी इसको हम लोग तोड़ देते हैं। गाइस फाइनली अपना जो ड्यूपर है ना वो कंप्लीट हो गया है। इसको एक बारी मुझे और चलाकर देखना पड़ेगा, मतलब जरूरत नहीं है वैसे, मैं 100% श्योर हूं सही काम करने वाला है। इस बार देखो गाइस माइन कार्ट नहीं गिरी, और अगर अभी मैंने इसके अंदर TNT लगा दिया ना तो समझ लो बस धड़ा इधर TNT गिराता रहेगा। बट कंटिन्यूअसली गिराते रहने के लिए ना मुझे वाला बटन दबाते रहना पड़ेगा ऐसे, पर मैं वो करना नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ ऑटोमेटिकली सब होते जाए, मुझे बटन भी ना दबाना पड़े, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ उसमें करना पड़ेगा। बट कुछ करने से पहले ना गाइस एक बार हम लोग नीचे चलते हैं, वो जो अपनी माइन कार्ड गिरी है ना उसको उठा कर ले आता हूँ, क्योंकि अगर मान लो बाय चांस कोई भी दिक्कत होती है ना। ओ भाई, इसने बड़ी तेज अटैक करा था मेरे ऊपर, इसका बच्चा पिटेगा बहुत गंदी तरह, रुक जाओ।
आ जा बेटा मेरे से पंगे लेने आ रहा है, छोटा सा अकड़ देखो कितने, इधर रुक जा, अरे तेरी पहले दूर हो मेरे से, इधर आ, इधर इधर तेरी ऐसी की तैसी, डरता भी उतना ही लड़ता भी उतनी गंदी तरह ही है। आ जा अभी इसको जलाऊंगा गाइस मैं बहुत गंदी तरह, मेरे को मारा ना इसने, ले जल गया बहुत गंदी तरह जला है बेचारा, भगता हो गया, मारने नहीं आएगा अभी मेरे को, ये जलने वाला, ले ले आ जा बाहर आके दिखा, जाने वाला बेचारा बहुत गंदा मरेगा, भुजा देता हूँ। अरे 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 तू नहीं बचने वाला भाई अब गया भाई, कुछ मिलता भी नहीं है इनको मारने में, इतना छोटा सा शरीर है। तो अभी पहले माइनकार्ट मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये वाली भी तोड़ दी, ये लेदर फेंक कर गाइस मैंने दोनों माइनकार्ट कलेक्ट कर लिया है। तो मैं बस ये कह रहा था कि यहाँ पर ना थोड़ा सा हम लोग एक टीएनटी ब्लास्ट कर देता हूँ पहले मैं इधर नीचे, ताकि थोड़ा बहुत ना अच्छा खासा स्पेस बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से टीएनटी ड्रॉप हो और ऐसे ब्लास्ट हो कि एक टीएनटी उड़कर ऊपर जाए और अपना पूरा ड्यूपर ही टूट जाए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर ना मैं नीचे थोड़ा बहुत स्पेस बना देता हूँ, इन दो टीएनटी को यहाँ पर ब्लास्ट करके मुझे थोड़ा सा पीछे निकलना होगा ताकि मेरे को कोई डैमेज ना पहुंचे। ओ भाई यहाँ तो लावा था, रुक जा रुक जा रुक जा, इस लावा को खत्म करने के लिए मैं बहुत सारा सामान आज अपने साथ लेकर आया हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर आने नहीं वाली है। फिलहाल ज़्यादा लावा नहीं है नीचे मेरे हिसाब से, थोड़े बहुत ही है। तो फटाफट से गाइस मैंने यहाँ से सारा लावा कलेक्ट कर लिया है, और ये जो लावा बकेट मेरे को मिली है ना वो शायद से ऑटोमेटिकली उड़ के नीचे जाकर गई। ओ भाई मैंने पूरी 16 बकेट गलती से ड्रॉप कर दी भाई। चलो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी सब कुछ एकदम सेट हो चुका है, बस मुझे यहाँ पर टीएनटी लगाने से स्टार्ट करना है। और मेरे पास यहाँ पर अभी 14 वाटर बकेट्स हो रहा है, यानी कि अलग अलग जगह जहाँ लावा निकलेगा मैं 14 टाइम्स उसे कलेक्ट कर सकता हूँ। अभी फटाफट से गाइस, वैसे जरूरी नहीं है कलेक्ट करके हटाया जाए, अब बस मुझे यहाँ पर 2 टीएनटी लगाने हैं और उसको फाइनल रन कराकर देखना आखिर एक काम कैसा कर रहा है। तो एक इस वाली वॉल पे, एक इस वाली वॉल पे लगा दिया, अब बस मुझे इसे गाइस यहाँ पर खड़े होके ना, पीछे हो जाता हूँ थोड़ा सा, इसे बस यहाँ पर खड़े होके एक बारी ऑन करके ऑफ करना है। ये टीएनटी गए दो दो नीचे एंड अब ये फटेंगे भाई भाई, बहुत गलत सीन। अब बस मुझे ना इसे ऐसा बनाना है कि बस ये कंटिन्यूसली चलता ही रहे चलता ही रहे चलता ही रहे, और उसके लिए भी मैं ढेर सारा सामान यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग नहीं फालतू चीज़ें हटाते हैं, मैं गाइस जल्दी से ना पहले वो रेडस्टोन ब्लॉक लेकर आ जाता हूँ, अभी उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। फटाफट से चलते हैं हम लोग पहले उस जगह पे। तो ओके गाइस लेट्स गो, अभी फिलहाल मैं अपने साथ ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन लेकर आ चुका हूँ, जिसकी हमें सच्ची में बहुत ज़्यादा जरूरत है आज। फिलहाल पीछे की तरफ में दो पिक थे, मुझे डर लग रहा है भाई वो यहाँ तक पहुँच ना पाए, इसलिए वाले जो ब्लॉक्स है ना मैं इनको तोड़ देता हूँ। अगर मैंने ये तोड़ दिया ना तो फिर वो कुछ भी कर ले यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। अभी सब कुछ एकदम ओके है भाई, अभी उन्हें आने के लिए जंप करना पड़ेगा, और जंप करते ही नहीं है ये लोग क्योंकि इन्हें आती नहीं है। लेट्स गो, सब कुछ एकदम यहाँ पर एकदम डन है। अब बस मुझे ना गाइस यहाँ का जो सेटअप है ना वो ऐसा करना है कि बस ये कॉन्टिन्यूसली चलते रहे। तो उसके लिए ना ये फर्नेस की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसको ले लेते हैं। थोड़े बहुत मुझे ये स्टोन ब्रिक्स चाहिए, ये ले लेता हूँ, और साथ में मेरे को टीएनटी की तो भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके अंदर मेरे को एक ऑब्जर्वर चाहिए, दो ले लेते हैं फिलहाल। एक ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन चाहिए, मुझे एक रिपीटर चाहिए, थोड़ी बहुत रेडस्टोन डस्ट चाहिए, बस इतना ही कुछ है। बाकी यहाँ मेरे को एक स्लाइम और एक स्टिकी पिस्टन चाहिए, मैं सॉरी बताना भूल गया था, तो ये ले लेते हैं। एंड ये रहा स्टिकी पिस्टन, सब कुछ एकदम हो चुका है, इन सभी सामान में आगे का सारा काम हो जाएगा। फिलहाल फूड थोड़ा सा मैं नीचे रख लेता हूँ, थोड़ा बहुत खाने वाने के लिए। भाई कोई तो आ रहा है, ये देखो ये जो घूम रहे हैं ना भाई, मैंने गोल्डन बूट पहन रखा है तब भी मार रहे हैं, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा। मैंने मतलब इनके ऊपर अटैक भी नहीं करा था, बेमतलब मार रहे हैं। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग आगे का काम करते हैं पहले। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मुझे यहाँ पर लगाना है ऑब्जर्वर, बट ये ध्यान रखिए कि उसकी जो एरो है ना वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग एक ब्लॉक इधर लगाते हैं, एक इधर लगाते हैं, एंड इसको तोड़कर ये जो ऑब्जर्वर है ऐसे कुछ मैं इस टाइप से लगा देता हूँ। एंड अभी ये जो इसकी एरो है ना वो कुछ इस डायरेक्शन को फेस कर रही है, ठीक है। अब इसको तोड़, वैसे इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बगल का मैं ब्लॉक तोड़ गए। इसके ऊपर गाइस अभी मुझे लगाना है फर्नेस, और उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका जो फेस है ना वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और फर्नेस इसलिए लगेगा क्योंकि गाइस ये स्लाइम ब्लॉक से चिपकता नहीं है। मतलब और भी काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं शायद से जो स्लाइम से नहीं चिपकते, शायद ऑब्सीडियन भी नहीं चिपकता है, बट यार ऑब्सीडियन थोड़ा महंगा आइटम है, फर्नेस एकदम सही है भाई, 8 कोबलस्टोन से बन जाता है इजिली। अब इतना करने के बाद गाइस मुझे इसके ऊपर रखना है रिपीटर कुछ इस टाइप से, एंड इस रिपीटर के सामने मुझे एक और यहाँ पर ये बिल्डिंग ब्लॉक लगाना है। अब उसके बाद मुझे करना है आगे का काम, और आगे का काम होने वाला है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे स्टिकी पिस्टन, एंड स्टिकी पिस्टन से अटैच करेंगे हम लोग इस स्लाइम को। पहले स्टिकी पिस्टन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, उसका फेस थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऊपर होगा मुझे मालूम था, थोड़ा एक ब्लॉक और नीचे वाव अभी नीचे जाकर गिर चुका है, बट कोई नहीं अपने पास बहुत सारे हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ लगाते हैं अभी एकदम ठीक है। इसके बाद ये लगेगा, एंड यहाँ पर लगाते हैं इसमें करंट चले जाएगा, ठीक है। ये देखो इसमें एकदम करंट ओके गया, सब कुछ एकदम ओके है, बट अभी करंट आगे पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मैंने वो नहीं लगा रखा है अपना रेडस्टोन। रेडस्टोन डस्ट यहाँ पर वैसे लगने वाली है, बट वो मेरे पास है नहीं, शायद शलकर बॉक्स में होगी। हाँ तो यहाँ पर टोटल 7 डस्ट पड़ी हुई है, मुझे यहाँ पर लगानी है। ये लगाते ही एक बारी काम करेगा, बट इसके पीछे लीवर लगाते ही ये कॉन्टिन्यूसली काम करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। ओ भाई इसको ऑन तो करने दो, ये चिपका नहीं, अच्छा अभी धक्का मारा, ठीक है हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको तोड़ देता हूँ पहले मैं,
जो जो फालतू की चीजें ना सारी यहाँ पर हटा देता हूँ। सब ओके गाइस, मेरे हिसाब से भी एकदम मस्त काम करना चाहिए। इसको फटाफट से गाइस हम लोग यहाँ पर लगाते हैं ये रेडस्टोन डस्ट एंड इसको कर देते हैं हम लोग ऑन। लेट्स गो, एक बारी ऑफ कर देखता हूँ। ओके गाइस, फाइनली जो अपना फार्म है वो काम करना स्टार्ट कर गया। जो चीज़ मैंने बताई थी ना गाइस, वो एकदम मस्त वर्क करने वाली है। आप लोग नीचे देखो भाई, कैसे TNT सिर्फ 2 TNT से अनलिमिटेड TNT भाई नीचे गिरते जा रहे हैं। मुझे भी नीचे जाना पड़ेगा वैसे देखने के लिए कि कहीं लावा वावा ना आ जाए। वैसे लावा आ जाएगा तो हमें कुछ करना नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस लावा हटा देना है। फिलहाल चुपचाप से नीचे चलता हूँ, क्योंकि अगर एक TNT भी मेरे ऊपर आ गया ना भाई, बैंड बज जाएगी। इसको ऑफ कर देते हैं भाई। ओहो, वो नीचे देखो भाई, उनकी तो बैंड बजी भाई 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 भाई, बहुत गलत। मैं झांक के देख लूँ, पता चला भाई गुद्दी पे आके गिर जाए। साइड से चलते भाई, थोड़ा सा यहाँ से देख सकता हूँ ना मैं। ओ भाई देखो, मैंने कहा था ना एंशिएंट डेब्रीज इसमें इजीली मिलेंगे। एक तो नज़र आ गया, बट अभी ना हम लोग इसको और ज़्यादा फैला के गिराएंगे, और वो भी इसी ड्यूपर से। अगर मैं ऐसे ढेर सारे ड्यूपर बना दूँ ना भाई, पूरा नेदर खोखला हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। बट अभी फिलहाल इतना तो हो चुका है, मुझे ना इसे पहले स्टॉप करके आना पड़ेगा। जल्दी से ऊपर चलते हैं सबसे पहले हम लोग। और अभी आगे कैसे काम करना है मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोग को भाई। बहुत तगड़ा आइटम है, बहुत तगड़ा, जो मैंने सोचा था ना एकदम मस्त काम कर रहा है भाई। ओह, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई मॉब है, बट यार इसका शोर इतना जा रहा है, ज़्यादा है ना, कि और किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। फिलहाल ये भाई कितने ज़्यादा लकी हैं, बच कैसे गए मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले गाइस मुझे ना नीचे चलना पड़ेगा, वहाँ पर जितना भी लावा आ रहा है उस सबको ना पहले मेरे को बुझा के आना पड़ेगा। क्योंकि अगर लावा वहाँ पर रहेगा ना, तो सीधी सी बात है अगल बगल के जो ब्लॉक्स है ना वो फूटेंगे नहीं। और वहाँ पर एक एंशिएंट डेब्रीज से अभी नहीं तोड़ूंगा, उसको बाद में तोड़ेंगे, क्योंकि भाई कितने भी TNT गिर जाएँ डेब्रीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि क्या हो रहा है। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं इतना नीचे तक पहुंच चुका हूं। अभी फटाफट से ना हम लोग इस लावा को बंद करते हैं। सबसे पहले काफ़ी सारे स्टोन ब्रिक्स लगने वाले हैं, मेरे को इसमें स्टोन ब्रिक्स नहीं बर्बाद करने चाहिए थे भाई। नेदर रैक लगाता, उससे एक मिनट में काम हो जाता। लेट्स गो, मेन जड़ खत्म, सारा लावा खत्म। और अभी मुझे ना एक ही एंशिएंट डेब्रीज मिला था, हो सकता है कि जो लावा खत्म होगा ना इसके नीचे भी एक आध एंशिएंट डेब्रीज पड़ा हो, बट बहुत कम चांसेस है। अब मुझे आगे क्या करना है वो काम पे फोकस करते हैं हम लोग। वैसे यार मुझे हाँ ऑब्सीडियन मेरे पास है, मेरे को लग रहा था शल्कर बॉक्स में ही है। बस अभी कुछ नहीं करना, हमें इस शल्कर बॉक्स इस ऑब्सीडियन को चारों तरफ ना फैला के रख देना है, ताकि जब TNT ऊपर से गिरे ना यहाँ पे, तो इस ऑब्सीडियन के ऊपर गिरे, और फिर ऑब्सीडियन के ऊपर जब गिर के ब्लास्ट होंगे, फिर उसके बाद जो TNT उसके ऊपर आएंगे ना, वो सीधी से बात है उड़ उड़ के इधर उधर जाने वाले हैं, और बहुत गंदा इधर धमाका होने वाला है। इसीलिए गाइस मैं ऑब्सीडियंस अपने साथ लेकर आया था। तो दो चीज़ें कन्फ्यूजन वाली होगी मुझे पता है आपके लिए, एक ऑब्सीडियन और एक फर्नेस, बट अभी आप लोग समझ गए होंगे मैं क्यों लाया था। तो TNT जो है मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से नीचे आएंगे, एंड प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओके ही बनाया जहाँ तक मुझे लग रहा है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं अगर थोड़ा कन्फ्यूजन वाला हो रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो दो ब्लॉक्स और लगा देता हूँ, मेरे हिसाब से अभी एकदम ओके है। हमें ऊपर निकलना चाहिए वापस से ब्लॉक्स। ओ भाई अच्छा, नेदर रैक्स हैं तो इतने सारे इसको यूज़ करो भाई। लेट्स गो गाइस, अभी फटाफट से हम लोग ऊपर चलते हैं और उस तबाही वाली मशीन को स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हमें यहाँ से एंशिएंट डेब्रीज मिलना स्टार्ट हो जाए। फिलहाल मैं एकदम ऊपर तक पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर ना एक बढ़िया सी सीढ़ी बना लेनी चाहिए थी मेरे को। ओ नहीं नहीं भाई, इनको हटा दो, बाय चांस अगर एक TNT इसमें अटक गया ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, पूरा ड्यूपर ही फूट जाएगा। और तुम्हें ज़्यादा मरने का शौक है क्या, जाओ नीचे, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे थोड़ा बहुत लावा रह गया था और अभी मैं उसे भी एकदम बुझा कर आ गया हूँ भाई। लावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है लावा के ऊपर अगर ये गिरेगा। ओ भाई भाई भाई, आ रहा है आ रहा है आ रहा है भाई, छोटे वाला है। इनका मुँह ना पूरा बराबर होता है बड़े वालों के, मतलब मेरे को लगा जैसे बड़ा वाला पी गया बट ये छोटा वाला था। चलो सही है, सरप्राइज कर दिया था भाई इसने झटके से एकदम ही। इसको ऑन करना है, बस हो गया, खत्म भाई खत्म। अब आप देखते जाओ कि यहाँ पर क्या ही होने वाला है। मेरे को बस एक चीज़ चेक करनी है। अरे अरे अरे, तू नीचे जा, तेरी ऐसी जैसी TNT के ऊपर गिर। ओह, TNT उसके ऊपर गिर गए ना, गड़बड़ हो जाएगी भाई, क्योंकि TNT इसके ऊपर गिरेगा और इसके ऊपर से गिर के क्या हो रहा है, इसके ऊपर से गिर के मेरे ऊपर आ जाएगा फिलहाल। अरे यार भाई ये क्या है, इनको चैन नहीं है। मैं TNT का शो देखने के लिए आया हूँ यहाँ पर, मुझे बस ये चेक करना है कि वो ऑब्सीडियन। ओ भाई यही चीज़ गाइस मैं कह रहा था, वो देखो अभी वो ऑक्सीडियन के ऊपर गिर रहे हैं और उसके ऊपर गिरने की वजह से अलग अलग जगह फैल कर जा रहे हैं। आ जा तू, आ जा तेरी भैंस की दिमाग खराब कर रहे हैं भाई ये लोग अलग ही। और कोई है क्या भाई यार, ये ना बायोम में गलत बनाया मैंने, मुझे कहीं और। बट यार बायोम में लावा भी तो नहीं था ना, एक तो जगह मिल गई अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ से तोड़ के मस्त व्यू इंजॉय करते हैं भाई, सीधा बेडरॉक नज़र आ रहा है यार, कितना ज़्यादा डेंजरस है। ओ वहाँ एक और एंशिएंट, ओ दो एंशिएंट डेब्रीज मिले मेरे को भाई, लेट्स गो। एक इस साइड पर था ना शायद, मेरे को पता क्या लग रहा है कि उधर लावा आ गया। नहीं नहीं नहीं, वो देखो वो रहा, वो पुराने वाला है शायद, पता नहीं मैं कंफ्यूज हो गया डायरेक्शन में, बट जो भी हो अभी यहाँ पर। ओ यार मेरे सिर पे आके ना गिर जाए, गड़बड़ हो जाएगी, इससे मैं दूर हो जाता हूँ। एक तो कैसे मुझे मालूम है शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, बट कोई नहीं, एडिटिंग के टाइम में मैं एडजस्ट कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट मुझे ओ भाई वहाँ पर भी दो नहीं, ये तो मैंने एक ही एंशिएंट डेब्रीज को देख के मैं बार बार ही खुश हो रहा हूँ। अभी गाइस मेरे दिमाग में ना एक मस्त आइडिया आया है, जो ऑब्सीडियंस मैंने पहले नीचे लगाए हैं ना,
उनको भी ऊपर ला के लगाते हैं थोड़ा यहाँ पर। इससे क्या होगा, ये और ज़्यादा फैल कर जाएंगे, क्योंकि एशियन डेब्रीज की जो हाइट होती है ना मिलने की, वो 14 to 25 होते हैं शायद से। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑब्सीडियंस लगाकर वापस से ऊपर आ चुका हूँ। मैं पहले इन्हें लगाना भूल गया था, वहाँ से तो तोड़ के ले आया था और मैंने इसे स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने देखा भैया ऑब्सीडियन लगे नहीं है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई धमाका कैसा होने वाला है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ना इसे थोड़ा बहुत ऊपर कर दिया है। हो सकता है एक आध टीएनटी उड़ के ऊपर आ जाए और अपना ड्यूपर टूट जाए, वैसे ऐसा होगा नहीं भाई। अभी ये बहुत ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होने वाले हैं, बहुत गलत सीन होगा भाई कसम से। इधर गाइस सही बता रहा हूँ यार, एंशियंट डेब्रिस मिले ना मिले, बट मज़ा जरूर मिल गया इस खतरनाक सी टीएनटी ड्यूपर को बना के। भाई बारिश की तरह टीएनटी ड्रॉप हो रहा है, बारिश की बूंदों की तरह, धड़ाईधड़ भाई, कोई जगह छूटने नहीं वाली भाई। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल देखते ही देखते नेदर का जो ये वाला हिस्सा है ना भाई, पूरा खोखला हो चुका है। और मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा खोखला हिस्सा पूरे नेदर में कहीं पर भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अभी काम करना बंद कर देगी, ये इसे ब्लास्ट कर करके भाई इतनी इतनी दूर फेंकेगा ना, वो देखो सामने की तरफ में भाई कैसे हर जगह फूटती जा रही है, फूटती जा रही है। और ऐसा भाई मेरे को तो लग रहा है बहुत ज़्यादा, अभी जितना दिख रहा है ना इसका इंटू फोर हिस्सा और ब्लास्ट यहाँ पर होने वाला है। वो देखो वहाँ पर एक फूटा और एक और एंशियंट डेब्रिस आया फिलहाल में देख, वो देखो चारों तरफ जा जाके भाई फूट रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसको चलते रहने देते हैं फिलहाल, मुझे इसे स्टॉप करके एक बारी और नीचे जाना पड़ेगा। मैं एक बारी पहले अभी और गया था, क्योंकि मेरे को ये ऑब्सीडियंस ना ये वाली लेयर तोड़ के इस साइड लगानी थी, तो वो तो मैंने एकदम कर दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बारी और नीचे चलते हैं, वहाँ पर लावा ना यार थोड़ा बहुत आ रहा है, उसको बंद कर कर आते हैं सबसे पहले वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। भाई भाई बहुत ज़्यादा डेंजरस मशीन है, तो इसको शल्कर बॉक्स में तोड़ देता हूँ। इसको ठीक करके ना गाइस अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, मतलब कि यहीं पर हम लोग पास में जाएंगे, इसको चलते रहने देंगे। अभी गाइस ये जो पूरा सामने का तालाब है ना, मुझे ये सुखाना पड़ेगा, जिसको देख के मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं इस लावा के थोड़ा बहुत क्लोज आ गया हूँ, और मुझे इसका ना गाइस जो मेन सोर्स है वो नज़र आ गया, तो यहाँ से ही आ रहा था बहकर। इसको मैंने अभी बंद कर दिया है, थोड़ा सा वहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा वहाँ से आ रहा है, बस ये यहीं से निकल रहा था और पूरे में फैल रखा भाई। भाई भाई ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली ढेर सारे ब्लॉक्स लगाकर मैं ऊपर आ चुका हूँ। और वो देखो भाई बेडवॉर्स की तरह रास्ते बनाकर आना पड़ रहा है, यहाँ पर 8 ब्लॉक्स ये और बचे हुए हैं। फटाफट से इसको लगाकर हम लोग चलते हैं ऊपर, सब कुछ हो चुका है भाई, अभी बस मुझे यहाँ से निकलना है इसको ऑन करके। अब भाई इसके अंदर से लावा गिरे कुछ भी गिरे मैं नहीं, वैसे नहीं यार इस जगह से फायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक दिन आएंगे ना इस पर फोकस होकर काम करेंगे। मतलब काफ़ी सारे ड्यूपर बना दूंगा मैं लाइन से, कम से कम ऐसे अगर मैंने 10 बना दिया ना भाई खत्म हो जाएगा। नहीं यार इधर बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं ज़्यादा ही बोल जाता हूँ, खत्म तो नहीं होगा बट तबाही मच जाएगी यार बहुत गलत वाली, क्योंकि यार ये बहुत गंदी तरीके से फटते हैं। फिलहाल इसके अंदर का जो एंशियंट डेब्रिस है ना वो हम लोग बाद में आकर कलेक्ट करेंगे, अभी इस जगह से ना थोड़ा बहुत दूर चल के, ज़्यादा दूर नहीं बस, हाँ मेरे हिसाब से ये जगह बेस्ट रहेगी, इतना दूर ठीक है। यहीं पर ना गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं, डिगिंग स्टार्ट करते हैं और नीचे चल के ना गाइस हम लोग वहाँ पर ये टीएनटी ट्रैक्स बिछाने वाले हैं 25 हाइट पर जाकर। तो अभी मेरी 49 चल रही है, 25 पे नहीं हम लोग जाने वाले हैं 20 पर, क्योंकि 14 to 25 हमें मिलता है एंशियंट डेब्रिस। तो अभी 36 अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा नीचे जाना है। तो ओके गाइस अभी फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं वाई एक्सिस की 19 हाइट पर। अब हम लोग यहाँ से गाइस स्ट्रेट डिगिंग मतलब फ्रंट साइड पर डिगिंग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत लेकिन आगे तक जाएंगे, फिर राइट साइड पर भी यहाँ ना रस्ते बना लेते हैं मैं ढेर सारे, ठीक है। एक तरफ हम इधर की तरफ में भी डिगिंग स्टार्ट करेंगे और फिर सेम ऐसे इस तरफ में भी करने वाले हैं डिगिंग, फिर थोड़ा सा गैप देके मतलब इतना गैप देके हम लोग दोबारा से इधर डिगिंग करेंगे। मतलब बहुत कुछ इस टाइप का पैटर्न बनने वाला है। ओए भैंस की भैंस की आराम से आराम से, ओ भाई 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 आराम से भाई, जल्दबाजी में ये लावा, चलो कोई नहीं इतना ही था, लावा पूल तो नहीं है ना, गड़बड़ हो जाएगी मेरे हिसाब से। ओ भाई भाई मेन सोर्स नहीं बंद, ओ भाई भाई एक सेकेंड जल्दी में भाई ये लावा रुक जाओ, इस लावा की जल्दी भाई, ये पिकेक्स की जान कैसे खत्म हो गई पता नहीं भाई, बड़ी कमजोर थी यार ये तो। रुक जाओ गाइस सबसे पहले ना मुझे इस लावा को खत्म करना पड़ेगा, साइड से चलता हूँ ठीक है। लो भाई गई पिकेक्स, बट अपने पास अभी 2 पिकेक्स बची हुई हैं। तो ओके गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई मैंने कसम से बहुत ज्यादा डिगिंग कर लिया है। और भाई भाई नहीं 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 आराम से जल्दबाजी नहीं, एक काम करता हूँ, ओ भाई मैंने इतनी मस्त जगह ब्लॉक लगाया ना, मेरे हिसाब से जहाँ से लावा आ रहा था ना वही जगह पूरी बंद हो चुकी है, मालूम पड़ जाएगा वाला ब्लॉक तोड़। ओ भाई भाई डायरेक्टली सीधा वहीं पर ब्लॉक लग गया है, इसको भी तोड़ दो एक बार। आप लोग देखो भाई कितना ज़्यादा आगे तक मैं आ चुका हूँ, मुझे गाइस इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना है। अब एक काम करते हैं थोड़ा सा ना लेफ्ट साइड पर जाते हैं, और वैसे आवाज़ आना बंद हो गई है टीएनटी गिरने की, कहीं ऐसा तो नहीं है ड्यूपर टूट गया। नहीं 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 मैं उस जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया हूँ ना, इसलिए मुझे उसकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके गाइस अभी मैं माइन कर रहा था और ये देखो मुझे क्या मिला। वैसे गाइस इससे मुझे याद आया कि मैं ना गाइस अपनी जो नेदरराइट वाली पिकेक्स है ना इसको नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर मैंने इसे यूज़ कर दिया ना
तो मैं एंशिएंट डेब्रिस नहीं कलेक्ट कर पाऊंगा। फिलहाल मुझे यहाँ से एक नहीं दो दो मिल चुके हैं, इसको फटाफट से मैं तोड़ के कलेक्ट करता हूँ। चलो ओ भाई ये बहुत ज्यादा फास्ट है, इसको मुझे यूज नहीं करना है क्योंकि वापसी में जितना भी एंशिएंट डेब्रिस है ना मैं इसी से कलेक्ट करने वाला हूँ। तो जितनी जान अभी अपनी सिल्क टच वाली पिकैक्स में बची है ना भाई, इसे पूरा खत्म कर डालते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पूरे में TNT बिछा देंगे और उसे ब्लास्ट कर देंगे। भाई मैं वैसे बहुत ज्यादा ना लंबी लंबी लैन खींच रहा हूँ आगे तक, अब ये वाली साइड भी होगी। सेम इसी तरीके से हम लोग इस साइड पर भी चलते हैं। ओके भाई मेरी सिल्क टच वाली पिकेक्स टूट गई यार, मुझे इसे तोड़ना नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार, मैं बस डिक करता जा रहा था और झटके से यार वो टूट ही गई। चलो कोई नहीं, बुरा लगा उस पिकेक्स के लिए मुझे, मतलब तोड़ना नहीं था यार। सिल्क टच वाली एंचेंटमेंट मेरे पास पड़ी हुई है बट फिर भी यार ना टूटती तो बढ़िया रहता। मैं आया इसी साइड से था ना, हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ से आया था। अभी गाइस मुझे यहीं से ना TNT बिछाना है, स्टार्ट करने हैं। अपना जो शल्कर बॉक्स है ना इसको मैं थोड़ा सा ना संभाल के अंदर की तरफ रख देता हूँ। ये वाली पिकेक्स निकाल लेते हैं हल्का हल्का से। वैसे यार इसके अंदर ना मेंडिंग लगी है, अगर एकदम भी HP कम हो जाएगी ना तो मैं मॉप्स मार के तुरंत इसकी HP जो है बढ़ा लूँगा। शल्कर बॉक्स मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको तोड़कर इसे खोलते हैं एंड अभी फालतू का सामान ना सारा इसके अंदर डाल देता हूँ। ओके गाइस ओल्ड एंड फटाफट से हम लोग आगे का काम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ना मैं फूड खाकर अपनी जो हेल्थ है उसको पूरा बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि अभी ना यार बहुत सारे TNT एक साथ फटने वाले हैं। और एक जगह पर ना गाइस काफ़ी सारी सैंड थी तो वहाँ पर मैं शवल यूज़ करके ना थोड़ा बहुत और रास्ता बना लूँगा। चलो कोई नहीं यार बहुत है मेरे हिसाब से, इतना बहुत है, एक बार देखो तो भाई कितना हो चुका है। हाँ तो वो ये जगह थी यहाँ पर मैं सोच रहा था, तो यहाँ पर भी हम लोग भर के लगा देंगे यार TNT सारे खत्म करके ही जाऊँगा, वापस ही नहीं ले जाने क्योंकि इस टाइम पर अपने पास ना भाई TNT की कमी है नहीं। इधर ग्रेवल थी, इधर भी पूरा खोद डालते हैं भाई, आज पूरे में TNT बिछेंगे। वैसे गाइस आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि नेदर में जितनी भी ग्रेवल होती है ना वो देखो सारी फ्लिंट दे रही है भाई, ये ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब क्या पता ऐसा होता हो कि जो ग्रेवल सूखी जगह पर है मींस पानी के अंदर नहीं है वो हमेशा फ्लिंट दे दी। और वैसे एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है एक्चुअली में होता क्या मेन चीज़। चलो कोई नहीं, फिलहाल हमारा काम TNT लगाने का है, हम लोग यहाँ पर भर के TNT लगाते हैं। बहुत ज़्यादा TNT है इसलिए मैं एकदम जितना मिल जाए ना भाई सारा लगाते जा रहा हूँ हर जगह पर। वाह इसको हटाना पड़ेगा पहले, इसको तोड़ कर हम लोग आगे लगाते हैं वहाँ पूरे में, मतलब कि जो जगह जगह पर ग्रेवल है ना उसको भी खोद के ताकि शवल अपनी यूज जाए वहाँ पर मैं TNT लगा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 ओ कोई TNT फटे भाई, ये फूट कैसे गए? हेलो मुझे लाइन से फोड़ने थे यार ये सारे, पता नहीं कैसे अपने आप ही इसके अंदर आग लग गई। एक दो बारी मेरे साथ पहले भी हुआ था जब मैं माइन करने आया था, पता नहीं यार कैसे हो जाता, शायद फ्लिंट वगैरह से हो जाता होगा क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारा फ्लिंट, बट ऐसा होना नहीं चाहिए यार कि अपने आप आग लग जाए। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट से हम लोग यहाँ पर इन TNT को लगाते हैं। तो गाइस देखो बैड लक, इस टाइम मेरे पास ना 2.5 stack TNT बचे हैं, बट यार इनको लगाने के लिए ना जगह नहीं है, क्योंकि मतलब जगह तो मैं बना सकता हूँ बट पिकेक्स में जान नहीं है। तो एक काम करते हैं भाई, इन TNT को ऐसे ही ब्लास्ट कर हम लोग यहाँ से निकल लेंगे या फिर वापस लेकर ही चल लेंगे, बाद में काम आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल गाइस मेरे हिसाब से इतना बहुत है, यहाँ पर हम लोग डबल लेन कर देते हैं क्योंकि भाई TNT मैं सोच रहा था यार पूरे खत्म करके जाऊँगा, बट पिकेक्स में 3 लेकर आया था भाई, 3 की 3 खत्म हो गई है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरे को आयरन भी लेकर आने चाहिए थे, लगा दूँ ना सब कुछ एकदम ओके है। यहाँ तो भर दो भाई, यहाँ कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, पता चला मेरे ऊपर ही आके फूट रहे हैं, सब में आग लगा दी। भाई भागो, बहुत गंदा सीन होने वाला है, अभी सामने मत आ जाइए उड़ के। ओ भाई भाई ये तो बहुत गंदा ब्लास्ट हुआ, ओह नीचे ही पड़े हुए थे दो। अरे 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 ऊपर तो नहीं आ रहा ना भाई, भाई भाई आगे की तरफ में ब्लास्ट होते गए, मेरे को उधर से आवाज़ आ रही है बहुत खतरनाक, भाई साहब डेंजरस। अभी मुझे कुछ नहीं करना गाइस, सारे कलेक्ट करने हैं भाई, पूरा नेदर सच्ची में मैं जो बोला था ना मैंने कर दिखा भाई, पूरा नेदर खोखला कर दिया भाई आज मैंने कसम से। ये जहाँ से लावा आ रहा ना गाइस वहाँ पर भी मैं पूरे में TNT लगाने वाला हूँ। उबे कहीं ऐसा तो नहीं होता, पता चला TNT ने आग, ओ तेरी भाई 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 वो वहाँ पर आग लग जाएगी भाई अभी, क्योंकि मैं जला, मेरे से आग पकड़ ली उस TNT ने भाई, जला ही नहीं बेमतलब मैं डर के भाग रहा हूँ इतनी देर से यार। ओ जल गया भाई यहाँ से, ओ मैं फंस जाऊँगा अगर आ गया, आ गई तो छुपना पड़ेगा भाई, अंदर घुस जाओ भाई फटाफट से, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ये ना जले, मैं भाई पक्का कन्फर्म था कि TNT बहुत डेंजरस होते हैं भाई। भाई वो देखो भाई 3 एंशिएंट डेब्रिस और मिल गए यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ आज। ओके गाइस ये लास्ट 10 TNT मेरे पास और बचे हैं, इसको तो यहाँ पर एकदम मस्त एक ही साथ लगा दूंगा भाई 10 के 10 में, और फटाफट से गाइस इसके अंदर फ्लिंट मार दे, सारे TNT मैंने खत्म कर डाले। अब भगो भाई यहाँ से, उड़ के मेरे ऊपर आने वाला मुझे मालूम है, प्लीज ओके आए भाई 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 लावा पूल मेरे को भाई, ओ 3 इधर भी मिल गए, मेरे को लग रहा था सारा लावा पूल है अभी मैं जलने वाला हूँ, बट ठीक है गाइस मैं जलता नहीं क्योंकि मैंने अपना वो पोशन पी रखा है। सब ओके हो गया, अब बस ये बकेट से ना मुझे ये सारा कलेक्ट करना है और ये बकेट उड़ के उसी में चले गए यार,
थोड़े बहुत ना मैं कोशिश करता हूँ कि ये नेदर रैक से बंद करूँ। वैसे गाइस ये जो लावा है ना इसको बंद करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट यार करना तो पड़ेगा ही, तभी हमें पता चल पाएगा कि आखिरकार हमें टोटल कितने एंशियंट डिब्रीज आज मिले हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जैसे जैसे करके मैंने इस जगह का भाई लावा तो बंद कर दिया है, अब फटाफट से गाइस यहाँ पर जितना एंशियंट डिब्रीज है ना इसको मैं कलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ, वरना मैं लावा ही बंद करते रह जाऊंगा। अभी एकदम ठीक है, फटाफट से गाइस इसको तोड़ते हैं। ओ भाई 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 सही है, पोशन पी रखा था वरना मैं जल जाता गंदी तरह। तो मुझे गाइस यहाँ से टोटल अभी तीन और मिल चुका है और हमारे पास टोटल छह एंशियंट डिब्रीज हो गए हैं। एक यहाँ पर ऊपर की तरफ में भी है, फटाफट से चलकर मैं इसको भी कलेक्ट करता हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले सारा लावा बंद कर दूं या फिर कलेक्ट करते करते जाऊं लावा भी बंद करते रहूं। वैसे गाइस सच्ची में अगर अपने पास एक्स्ट्रा पिकेक्स होती है ना तो भाई कसम से मजा आ जाता। मतलब कि यार हम लोग ना दो लेन और बनाते जिसके अंदर भाई, मतलब यार आप लोग खुद सोचो मेरे पास दो स्टैक एक्स्ट्रा टीएनटी था, दो स्टैक भी नहीं ढाई स्टैक एक्स्ट्रा टीएनटी था, तो क्या ही तबाही मस्ती। फिलहाल यहाँ पर मुझे ये स्केलेटन दिखा है, इसको मारकर हम लोग थोड़ी सी एक्सपी तो लेंगे ताकि अपनी ये जो पिकेक्स है ना ये लगे हाथ रिपेयर होते रहे। इसको दूसरे हैंड में डालता हूँ और फटाफट से गाइस चलकर हम लोग आगे का सामान तोड़ते हैं। मैंने काफी सारा लावा जो है ना यहाँ से हटाया है बट अभी भी ढेर सारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं क्योंकि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको भी हटाकर मैं नीचे कहीं साइड में डाल देता हूँ ताकि ये पूरे में ना फैले, एक जगह पर पड़े रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहूँ तो इसे एकदम पूरा खत्म भी कर सकता हूँ। यहाँ डाल दो इसको, ठीक है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल इतनी ज्यादा ताका झाकी करने के बाद मुझे यहाँ पर टोटल 24 एंशियंट डेब्रीज मिल चुके हैं जो कि मेरे हिसाब से यार बहुत ज्यादा कम है, मुझे इस जगह से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। वैसे हाँ यार ढाई स्टैक तो हमने ऐसे यूं वेस्ट करा है बट फिर भी यार 24 मेरे हिसाब से कम है, मैंने 50 की उम्मीद तो लगाई थी कि इजिली मिल जाएंगे। वैसे यहाँ अभी वो जो वहाँ से ड्रॉप हो रहे हैं अपने ड्यू पर से वो मैंने अभी कलेक्ट नहीं करे हैं, यहाँ पर जो जो थे उन सबको मैंने कलेक्ट कर लिया। फिलहाल इस तरफ में मेरे को एक मॉब की आवाज़ आ रही है, इसको मारता हूँ क्योंकि मेरे को अपनी पिकेक्स रिपेयर करनी है भाई जल्दी जल्दी। इधर आ जाओ भाई साहब, अबे ये छोटा सा है, आवाज़ इसकी वैसी ही है भाई सेम अबे भाग रहा है, इसके पास सॉर्ड ही नहीं है। मैं बुला भाई अपने ताऊ आऊ को, चल तेरी भैंस की। वैसे यार इसको मारने पे एक्सपी बहुत ज्यादा मिली है, कुछ भी कहो। चलो कोई नहीं यार, अभी फिलहाल यहाँ पर मेरे को एक टीएनटी नजर आया, जो टीएनटी मैंने बाद में लगाए थे ना उनमें से काफी सारे टीएनटी यार ब्लास्ट नहीं हुए हैं, तो उसको भी चलकर मैं ब्लास्ट करता हूँ, क्या पता एक आधा में डिब्रीज और नजर आ जाए। फिलहाल ये जगह तो भाई इतनी ज्यादा खोखली हो गई है ना कि पूरी रेंडर भी नहीं हो रही है एक बार में। फटाफट से चलकर गाइस हम लोग इस जगह पर भी एकदम मस्त आंख लगा देते हैं। भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा, मैं गंदा फंसा हूँ इस बार। भाई 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 मेरे ऊपर आके मत पड़ना प्लीज। ओके ओ भाई किस्मत किस्मत थोड़ी अच्छी थी, एक एक एंशियंट डेब्रिस हमें वहाँ पर नजर आया। चलो कोई नहीं, इस टाइम पर मेरे लिए एक अभी होता है। अच्छा ये लावा वही मैं कहूँ आगे क्यों नहीं जा रहा था भाई। लेट्स गो भाई, अभी फटाफट से हम लोग इसको तोड़कर भाई से कलेक्ट करते हैं। 25-50 बोले थे एटलीस्ट, उसके आधे तो कलेक्ट हुए भाई, इतना आसान नहीं है एंशियंट डेब्रिस ढूंढना। अब ये जो जगह पर हमें मिले हैं इन सबको भी मुझे कलेक्ट करना है। भाई ये जगह कैसी हो चुकी है, सामने की जो वॉल है नजर ही नहीं आ रही भाई, पूरा रेंडर ही नहीं हो रहा चंक एक बार में। तो ओके गाइस अभी ना फटाफट से सबसे पहले तो मैं ये वाला जो अपना इलाइट्रा है से पहन लेता हूँ और जो डायमंड बूट्स है, ओ मैंने शल्कर बॉक्स अपना पीछे ही छोड़ दिया। चलो कोई नहीं, उसे भी लेकर आ जाएंगे। अभी मैं कौन सा यहाँ से जा रहा हूँ ये चलते रहेगा, इसको दूसरी जगह पर ले जाकर बनाएंगे क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा ओपी चीज़ है। फिलहाल यहाँ से हमें जितना एंशियंट डेब्रिस मिला है ना सारा कलेक्ट करते हैं, मुझे उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा और मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं मैं गलती से टीएनटी में घुस गया ना गड़बड़ हो जाएगी। बट रिस्क उठाएंगे, नाम बनाएंगे, बट रिस्क उठाने से पहले भाई खाना खा लो भाई, खाना ज़्यादा जरूरी है। एचपी रही तो बच भी सकते हैं, वरना तो बचने के चांसेस भी नहीं है। मुझे निकलना यहीं से, 3-2-1 लेट्स गो, ऊपर की तरफ में उड़ते हैं। ओ भाई 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 एक ही बार में तुम्हारा भाई एकदम परफेक्ट ऊपर आ चुका है, इसको मारना पड़ेगा। तो चलते एरिया निकल यहाँ से, इसको गया नीचे क्या नीचे क्या वहीं से बंद करो बस बस, अरे बस 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 ओ पागल है क्या, ओ तुम्हारी ऐसे की तस्वीर नीचे फेंकोगे क्या भाई। ओके बस मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरे नीचे लावा ना हो क्योंकि इस टाइम पर ना मैं धीरे धीरे करके पूरी स्ट्रेट डिगिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी जो पिकेक्स है उसकी एचपी खत्म हो जाए। फिलहाल अभी मैं बहुत नीचे आ चुका हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से जंप भी कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई तो मॉब है, उसकी मेरे को आवाज़ आई। फिलहाल ये रहा पीछे एंशियंट डेब्रिस, फटाफट से चलकर हम लोग इसे कलेक्ट करते हैं जल्दी से, लेट्स गो। यहाँ पर कितने हैं, एक है दो है, एक ही है यार, एक पड़ा हुआ है सामने की तरफ में, इसको भी चलकर उठाते हैं फटाफट से। और इसी के साथ एक और आ गया, लेट्स गो, एक और है सामने, लेट्स गो, उसके साथ एक और मिल गया और अभी अपने पास हो चुके हैं 28, तो वहाँ पर दो और पड़े हैं, जल्दी से चलो। अभी भी मुझे वैसे ढेर सारे नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो यूं ही नजर आ रहे हैं, जल्दी चल के इसे कलेक्ट करते हैं। नेदर रैक अपने पास बहुत ज़्यादा है तो हम लोग कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। ये हमारी जंप सीधा इसके ऊपर और ये आ गए हम लोग नीचे, फटाफट से चलते हैं ऊपर एंड इसको तोड़ के करते हैं कलेक्ट। इसी के साथ गाइस अपने पास हो चुके हैं 31 एंड ऊपर भी ढेर सारे हैं, फटाफट से इसको भी कलेक्ट करते हैं, लेट्स गो। और अभी अपने पास हो चुके हैं गाइस पूरे के पूरे 40 एंशियंट डेब्रीज, ओ भाई 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 आराम से, और एक एरा तो समझ लो 42, 43
एंड 44, 45, 46 तो हो गए भाई, बाकी यहाँ पर और कोई नजर आ जाए तो बढ़िया भाई, 50 कंप्लीट करने थे यार मेरे को। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल जो जो एंशियंट डेब्रीज मेरे को नजर आ रहे थे वो तो मैंने सारे के सारे कलेक्ट कर लिए हैं, और मेरे पास इस टाइम पर हो चुके हैं पूरे के पूरे 46 एंशियंट डेब्रीज, जो कि यार सच्ची में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इससे काफ़ी सारे इंगेट्स अपने पास बन जाएंगे और ऑलमोस्ट सारा आइटम मेरे पास जो है वो सारा नेदरराइट का बन जाएगा। बट मुझे अगर मान लो नेदरराइट का पूरा बीकन की सारी लेयर्स बनानी है तो कितना टाइम उसमें लगने वाला है। वैसे टाइम नहीं, TNT लगने हैं मेन। तो फिलहाल अभी भाई यहाँ पर हो सकता है मैं पूरे 50 तो नहीं कम्प्लीट कर पाया भाई, रैली सॉरी, मुझे सारा लावा वा हटाना पड़ेगा। हो सकता है 3-4 इसके पीछे से निकलना है, काफ़ी सारा लावा है, हो सकता है बहुत सारे हाइड हो रखे हों। बट ये अगर मैंने मशीन चला दी ना थोड़ी देर और, तो थोड़ी बहुत ये और लेयर बना देगी। बट जहाँ तक मुझे लगता है ना गाइज, ये इससे ज़्यादा मैक्स एरिया नहीं बना सकती, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा है। अगर TNT दूर भी जाएगा ना तो बहुत टाइम लगेगा अब आगे की लेयर बनने में। उतनी देर में हम लोग एक और ड्यूपर बना देंगे ना राइट ले जाकर, तो इतना एरिया दोबारा बना देगा भाई, इतना एरिया अलग से। तो अगर ऐसे मान लो मैं 10-15 ड्यूपर बना दूं भाई, नेदर खोखला हो जाएगा भाई। चलो कोई नहीं यार, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, 46 कंप्लीट हो गए हैं भाई, कसम से मज़ा आ गया। तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1 मिलियन लाइक के लिए भाई। मैंने माइनक्राफ्ट की आज से पहले किसी भी वीडियो पर 1 मिलियन लाइक का एम नहीं करा है, बट ये वाली वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक थी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई खतरनाक चीजें देखने के लिए करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करो, जो रेड वाला बटन आ रहा है उसे दबा दो। और जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है, इंस्टा पे फॉलो कर लो, एंड से बात करने लगा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, बाय।